लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो रे। ए, तुम लोग भाग जाओ। किस लिए? जान बचाने के लिए भाग जाओ। जान बचाने के लिए भागने की क्या जरूरत है? तुम अपना काम करो। शंभू महादेव। सर, मैं जानता हूँ आप एनकाउंटर करने वाले हो। बुलेट पीछे से मारने के बजाय सीने में मारोगे तो इज्जत की मौत मिलेगी। तो अपना काम करो। जब हमें मरने का खौफ नहीं है तो मारने वाले को घबराहट क्यों हो रही है? जम, आ जाओ। अरे, तुम्हारी बॉडी तो एकदम स्लिम है। रोज स्विमिंग करती हो क्या? ऐसा नहीं है, मैं अर्ली मॉर्निंग वॉक करती हो अकेली। ग्रेट। अकेले नहीं, मलेश्वरी के साथ। कौन? प्रिंसेस? ओह, मेरा डॉगी। तो ठीक है, वॉक करके दिखाओ। ओके। हे, तुम्हारे स्टाइल से नहीं, मलेश्वरी के स्टाइल से। नो कैट वॉक, ओनली डॉग वॉक। हे हे, तुम लोग खामोश रहो, वो भी करके दिखाएगी। हे, कम ऑन पप्पी, क्विक। चल। हे, रुको, एक छोटा सा करेक्शन है। ऐसा नहीं है मोहतरमा, महेश्वरी दो पैरों से चलती है तो बता सकती हो कि किस तरह चलती है। इस तरह अपने हाथ करके चलो। अब तुम चलो। ए, जैसा वो बोल रहा है करने को करके दिखाना। ये चलना। ये कौन है? पता नहीं यार। रैगिंग करने से तुम्हें भी खुशी मिलती है और मुझे भी खुशी मिलती है। हद से ज्यादा होना वो गलत बात है। सॉरी सर। सर, आप बताइए क्या करना है। हम सब वही करेंगे। गुड। फॉलो मी। क्या हुआ? अरे, बॉडी और सर कहाँ है? यहाँ, इधर। सिस्टर, पैर को क्यों लटकाए हुए? इतना ही नहीं, सर पर भी पट्टी बंधी हुई है। देखा ना सर? देख लिया, इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तुम्हारा नाम? धनंजय। एंटी चौधरी नायडू के परिवार से हूँ। वो हमने नहीं पूछा। खासकर मैंने पुलिस में भर्ती होने के लिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लिया है। हाँ हाँ, ठीक है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? सबसे सीनियर है मेरी दादी माँ। मेरी दादी माँ भी कुछ कम नहीं है। कुछ भी हो जाए, मेरे देवा का नाम रोशन होना चाहिए। माँ, बचपन में ही गुजर गयी। मेरे पिताजी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे, मैं तेरा बाप हूँ। मुझे हर बात में वो टोकते ही रहते हैं। पुलिस में क्यों नौकरी करना चाहते हो? सर, आपने देख लिया ना, मैं तो इस काम के लायक हूँ। अब इन्हें देखिए, खा खा के कैसे तोंद निकल गई है इनकी। ए, पेट में छुपाओ, मेहनत करो। तुम पुलिस में आगे क्या करोगे? पहले तो सारे कचरे को साफ करूंगा। हा? वही सर जो हमारा यूनिफॉर्म है, जरा देखिए। चार मीनार में कौन सही है कौन गलत है आप लोग बता सकते हैं क्या? क्योंकि वहाँ का बीट कांस्टेबल ड्यूटी पर हमेशा सोता रहता है, इसलिए गलती होती है। सो यूनिफॉर्म बदनाम हो गया। काम चोरी की वजह से ही बदमाश अपना काम कर जाते हैं और शरीफ लोगों का जीना हराम हो जाता है, इसलिए ड्रेस कट। तुम बहुत जज्बाती हो। क्या? बहुत? मैं राष्ट्र के चिन्ह में जो तीन शेर है उसमें से एक शेर बनना चाहता हूँ। हाँ, हमारा पूरा डिपार्टमेंट एक सिनेमा है। दिलीप कुमार, देवानंद, राजकुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सनी देओल, बॉबी देओल, संजय दत्त, शाहरुख खान, सलमान खान, पुलिस का तो इन लोगों ने नाम रोशन किया है। और तुम? अब आप बताइए सर, मैं इस लायक हूँ ना? खुलकर बताइए सर, मैं काबिल हूँ कि नहीं? अबे गधे के औलाद, अकल के दुश्मन, पागल कहीं गए? अरे अरे, पगला गया है, अकल नहीं है तुझे? मेरे शेर जैसे देवा को डांट रहा है? ये काम तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है,
कौन इन्हें समझाएगा, ये तो इनकी आदत ही है। ये बात नहीं है बेटा, स्टेट में जहाँ भी पुलिस की भर्ती चलती है वहाँ तू सिलेक्शन के लिए जाता है, सारे काम बिगाड़ कर आ जाता है। ये आप क्या बात कर रहे हैं पिताजी, आजकल पुलिस की नौकरी भी मिलना इतना आसान नहीं है, रेकमेंड की भी जरूरत पड़ती है, कोई पर्सनैलिटी देखकर यहाँ नौकरी नहीं देता है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अरे अरे तो फिर कब नौकरी करेगी पिताजी, इतनी जल्दी क्या है। अरे बेटा मैं तुझे डॉक्टर लॉयर इंजीनियर बनाना चाहता था। यही तो आपकी गलती है ना, एक ही आदमी डॉक्टर इंजीनियर लॉयर ये सब नहीं बन सकता, दादी आप इन्हें समझाइए ना जरा। देख रही हो ये आंखें पीले हो गए, पीलिया तो नहीं हो गया? वो नहीं हुआ है माँ। ए सुन, सिर्फ रोटी खाकर जानवर भी जीना जानता है। मुझे पता नहीं था ऐसा होता है क्या। ए जब भी मैं कुछ कहता हूँ बहाना बनाकर चला जाता है, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। ए सुन, बचपन में मेरे माँ बाप ने दूध घी मलाई खिला के बड़े प्यार से पाला था, आज तुझे समझाने में सब पिघल कर निकल रहा है। लगता है आप कमजोर हो जाएंगे, जरा डॉक्टर को बताइए। देख लिया आजकल के बच्चों के जवाब। फोन। हेलो हेलो अंकल, मैं राजेश धना है क्या? हाँ है जी, लाइन पे बने रहिए जी, मैं उन्हें बुलाता हूँ जी। अंकल धना बेटा तुम्हारा फोन है जी। खड़े खड़े बड़बड़ क्या कर रहे हो, लाके दो ना अंदर। अरे अरे लाया लाया फोन, ये लो। अरे कितना बदबू आ रहा है, हमारे कॉलेज में गुंडे। ये कौन है, तेरा भाई है कि दोस्त है? फ्रेंड है। हम कौन है जानता है? नहीं जानता सर। तुम्हारे घर पे कौन है? पूरा परिवार है सर। हम लोग इस वक्त यहाँ पर एक चीज का इंतजाम कर रहे हैं। सर इंतजाम माने? इंदिरा पार्क और संजय पार्क में क्या होता है पता है? क्या होता है? इसे पकड़ो, अब देखो। हम क्या देखें सर? मुन्ना। जैसी अप्सरा के साथ इस लंगूर का क्या काम, ये वेस्ट है तेरे लिए। ए, कबाब में हड्डी, निकल यहाँ से। ए, चल चल भाग यहाँ से। गणेश जूम, हाजिर हूँ। ये तेरा लवर है। ए, तेरा नाम क्या है बे? नवीन है। हाँ, ये है नवीन। हाँ। चल इसे प्यार कर। हाँ। ए, रुक। देखो ना कितना रोमांटिक माहौल है, यहाँ पे कोई भी नहीं तुम्हारे और मेरे से। ये मॉडर्न ड्रेस बहुत बढ़िया है, ये क्या लटक रहा है तुम्हारी नाभि पर? रुक जा। सॉरी बॉल, सॉरी सिस्टर, सॉरी सिस्टर। दोबारा ऐसा मत करना। नहीं सर, दोबारा इस कॉलेज में नहीं होगा। दोबारा इस कॉलेज की लड़कियों को छेड़ते हुए मुझे नजर आया तो क्लासरूम में घुस के तेरी जान ले लूंगा, समझा? दूसरों की बेइज्जती करके उसका मजा लेना ये गलत बात है। चल निकल, चल। थैंक्स भाई साहब। क्या यार, फ्रेंडशिप में कोई थैंक्स होता है क्या? असल में मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, ये तो मेरा फर्ज है। थैंक्स सर। आप इसी कॉलेज के हैं? पहले था, एक्स स्टूडेंट। हेलो 51, ठीक तो हो? गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल ठीक हूँ। पुलिस में ज्वाइन हो गया है क्या? अभी तक हुआ नहीं, कोशिश चल रही है सर। ये क्या है सर 51? 51 ये मेरा रोल नंबर है, जब तक मैं यहाँ था तब तक मुझे 51 नंबर से ही बुलाते थे। खाली करो, फेंक डालो सब सामान। ए जल्दी काम करके आ रहे। ए ये सब याद रखना, एक भी सामान नहीं छोड़ना। देखता नहीं कि अंधा है क्या? सॉरी सर, माफ करना, गलती हो गई। क्या यार, जहाँ देखो गुंडे ही लोग बसे हुए हैं, हर जगह पर इन्हीं की हुकूमत चल रही है। जाके तोड़ू क्या? अरे नहीं जान दे यार, बीच बाजार में काम मारपीट करेंगे। ओके देखना, जिस दिन मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा एक भी गुंडे को शहर में रहने नहीं दूंगा। ये यहाँ क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं? इस प्लॉट में अनाथ आश्रम बनाने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन किया है भाई। उस प्लॉट को अय्याशी का अड्डा बनाने के लिए अपने एरिया के एमएलए ने कब्जा करने के लिए इन गुंडों को यहाँ भेजा है। आश्रम बनता है तो बुराई क्या है? ऐश करने को नहीं मिलेगा ना, है ये कोई आवारा लोगों का इलाका है क्या? उसने ऑलरेडी फोन करके इलाके में सबको धमकाया है। ओहो, मेरा तो यही कोशिश था, लाख रुपए में मैंने जगह दिया, फिर भी देखो। धना, हमारे हॉस्टल के और उस आश्रम के असली मालिक। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपका सपना जरूर पूरा होगा। हाँ
एक अच्छा आइडिया है, अगर हम लोग यहाँ म्यूजिक क्लास चालू कर देंगे तो कैसा रहेगा, जब तक काम नहीं हो जाता। यस। ए, तू क्या करेगा? मैं ड्रम बजाऊंगा। और तू? मैं तबला। सत्य? मैं डांस। प्रेम? मैं फ्लूट। ये फ्लूट बजाएगा। तुझे कुछ याद है कि भूल गया? मैं सारे इंस्ट्रूमेंट की साफ सफाई का ध्यान रखूंगा। शाबाश मेरे प्यारे मोटे। ओके सर, सारा इंतजाम हो गया है, कोई अच्छा सा मुहूर्त देकर म्यूजिक क्लास चालू कर देंगे। ये कितना आसानी से हो गया है, जो मेरा सपना अब तक नामुमकिन लग रहा था उसे पूरी होने की उम्मीद बन गई है। आपका बड़ा एहसान होगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम सब संभालेंगे, आप जाके आराम कीजिए। अच्छा बेटा। राजेश तू जाके रूम साफ कर। अरे अरे मैं रूम साफ करूंगा, मर जाऊंगा यार, आ रहा हूँ बाबा। कितनी देर लगेगी, कब से चिल्ला रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो पहले करो नहीं तो कान से निकाल दूंगी, याद रखना। लक्ष्मी। ललिता क्या कर रही हो? आज तक मैंने ऐसी मूर्तियाँ बहुत सारी देखी हैं, लेकिन इतनी सुंदर मूर्ति कभी नहीं देखी। आपके पिताजी ने मंगवाई है ना? ये सब कुछ मेरी माँ की पसंद है, मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन मेरे पिताजी ही मेरे लिए माँ बाप हैं। उन्होंने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अरे इस घर में कोई मेरा सुनने वाला भी है कि नहीं? अरे अरे कुर्सी उधर रख दो, ये लक्ष्मी क्या कर रही है पता नहीं। लक्ष्मी बेटा लक्ष्मी। आई मौसी। तैयार हो गई? आज तेरे कॉलेज का पहला दिन है, देख टाइम क्या हो गया, तुझे टाइम की कोई कदर ही नहीं है। ए सुनो, किसी कांस्टेबल को बोलकर जल्दी से ऑटो मंगा लो। बाप रे कितनी देर हो गई। मेरे डैडी के होते हुए मुझे कैसा डर। हेलो, तुम्हारे डैडी को इतनी फिक्र होती तो क्या बात थी? वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उन्हें कभी कुछ याद रहता है? मालकिन इसे कहाँ रखूं? मेरे सर पे रख दे, जहाँ रखते वही जाके रख दे, सब काम मुझे। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? अब मेरी समझ में आया कि अंकल आपको छोड़ कर क्यों चले गए। सब मर गए क्या, कोई फोन क्यों नहीं उठाता? हेलो। क्यों मैडम आपने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, बात नहीं कर सकते क्या? तुम इतने व्यस्त हो गई हो, मैं यहाँ हाँ अब बाद में फोन करता हूँ। हाँ समझ गई ना। हाँ क्या है क्या है क्या है? सर आप कैसे हैं? तुम लोगों को दिख नहीं रहे क्या कि मैं कैसा हूँ? क्यों रे, जब तू कॉलेज में था तो नाक में दम करता था, दुनिया की फिक्र क्यों पड़ी रहती है तुझे? तुझे और कोई काम धंधा नहीं क्या? मेरा क्यों दिमाग खा रहा है? इसीलिए टकले हो गए। कौन बोला, किसने बोला, किसने बोला? सॉरी सर गलती हो गई। करेक्ट। गलत है तो करेक्ट कैसे होगा सर? तूने जो गलती की है वो करेक्ट है कह रहा हूँ। करेक्ट है सर। क्या करेक्ट है? आप करेक्ट कह रहे हैं, ये करेक्ट है। अरे तू मुझे पागल क्यों बना रहा है, असल में तूने ऐसा किया ही क्यों? इस लड़की के साथ वो लोग बदतमीजी कर रहे थे सर। करने दो, तुम्हें क्या, तुम लॉयर हो या कानून तुम्हारे हाथ में, ऐसा सोच रहे हो? वहाँ पर लेक्चरर थे, सीनियर्स थे, हजारों की संख्या में स्टूडेंट थे, तू बीच में क्यों आया? तुम लोग कौन सी बात को घुमा के कहाँ ले जा रहे हो? तुम लोगों का जीवन इस धरती के लिए बोझ है। यू आर सस्पेंडेड। तुम्हें तो मैं सस्पेंड भी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए इन्हें कह रहा हूँ एक हफ्ते तक तुम लोग अपनी शक्ल मत दिखाना। गेट आउट। फोन मुझे दीजिए, जल्दी फोन दीजिए ना। फोन चाहिए? लो लो, मैं किसी की सिफारिश मानने वाला नहीं हूँ, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। तुम इनकी तरफदारी करने के लिए आए हो इसलिए सस्पेंड किया, डिसमिस कर देता नहीं तो, अपने बाल ऐसे ही नहीं गंवाए मैंने। तो अब टकली कैसे हो गए सर? किसने कहा? हेलो। हेलो कौन? अरे कौन है क्या पूछ रही हो? मैं हूँ यार। मेरे डैडी? तुम्हारे डैडी के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, बगल में बैठे हैं। क्या? जी हाँ मैडम, प्रिंसिपल साहब। शाम को तुम फिल्म देखने चलोगी क्या? सिनेमा सिनेमा सिनेमा। हम आपके है कौन, बहुत बढ़िया फिल्म है, थिएटर में बैठकर बात करेंगे। क्या बात करेंगे? तुम्हें डैडी से बात करनी है, पास में बैठे हैं, ये लो बात करो। क्यों सर, मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ ना, सिटीजन होने की वजह से हरासमेंट केस की मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखा देता। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, सीआई, इतना ही क्यों, गोल्ड मेडल कमिश्नर के पोस्ट पर भी मैं रह चुका हूँ, इसलिए तो उन पर दो हाथ जमा दिए मैंने सीधे। मेरी गलती आपको बुरी लगी ना? यू शट अप। हर वक्त अगर हम लोग ये सोचेंगे कि पुलिस आएगी तो फिर इस देश का क्या होगा? क्या हो रहा है यहाँ? नमस्ते। आजकल छोटी मोटी बातों में आम आदमी खुद कानून को हाथ में ले लेता है, इसलिए गुंडा राज ऊपर आ गया, पुलिस की वैल्यू डाउन हो गई। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, रूटीन है। बैठिए ना, तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे हाँ भूल गया, सर उनका सस्पेंशन वो बाद में देखेंगे, जाओ। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। थैंक यू सर। अभी कोई लपड़ा नहीं है? यहाँ बेटा, हमारे कमिश्नर साहब ने भेजा है। कमिश्नर साहब ने भेजा है? क्यों? अरे हमारे कमिश्नर ने भेजा है। अच्छा, कमिश्नर साहब की ये क्या लगती है? अरे उनकी बेटी है। जरा संभल के रहिए सर। ओ शट अप। एमए के एडमिशन के लिए। वो यहाँ पर नहीं हो सकता सर। ए इडियट, कहाँ कहाँ से आ जाता है, क्या है? इधर आओ, इसे भर्ती कर लो। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है सर, मीटिंग का वक्त आगे बढ़ा दिया क्या? हाँ, कोई एतराज है क्या? कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन जनरल का, हमारे देश में कोई भी वक्त पे नहीं आता, तुम्हें पता नहीं क्या? वैसे ये ऑफिस आने का समय है? बच्ची का कॉलेज में एडमिशन कराने गया था। ये तुम्हारी ड्यूटी है? वैसे आज उसका पहला दिन था।
गलती हो गई, वो मेरी ड्यूटी नहीं थी सर। एक बार अपना कैप निकालेंगे क्या? प्लीज इडियट, ये तेरा काम था बे। सिट डाउन। थैंक यू। इतनी देर होने के बाद भी वो कहाँ है? बाप रे, कौन समझाए उसे। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट वाज द टाइम फिक्स्ड फॉर द मीटिंग? 10 o'clock सर। पंक्चुअलिटी क्या होती है तुम्हें पता नहीं क्या? सर पता नहीं क्या? वो मेरे घर पर गलती करने के बाद सफाई नहीं चाहिए। सच कहने वाले को बहाना ढूंढना नहीं पड़ता। मुझे बहाना नहीं सुनना है। ओके ओके सर। कम सिट। थैंक यू सर। ओके जेंटलमैन, आज मीटिंग के लिए कोई भी वक्त पे नहीं आया, इसलिए आज की मीटिंग बर्खास्त की जाती है। कल ठीक 10 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, शार्प 10 o'clock। ओके यस सर। उसका नाम क्या है? ललित कुमार सर। तुम ऐसा ही होकर घर के रिश्ते को यहाँ पर क्यों लाते हो? सर वो एक CI है सर। डिमोशन करो। सर वो मेरा रिश्तेदार है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो कर सकता हूँ। असल में मुझे कुछ नहीं आता भाई, मैं डांस कर ही नहीं सकता। मुझे आता है क्या? मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, फिर भी कोशिश करने से दूसरों को देखकर सीखने में क्या परेशानी है तुझे? सब एडजस्ट हो जाता है। और कौन कहता है कि जन्म से ही मैं माइकल जैक्सन बन के आया हूँ? ऐसे पकड़कर ये ऐसा क्या तकलीफ है? साइकिल चला तू। हाँ। बता कैसे चलेगा? हाँ। ऐसे ही। इसी को तो डांस कहते हैं। अब तू बता क्या हुआ? साइकिल डबल सीट में, देखो मैं बिल भेजा रहा हूँ। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। चुप। हाय धना। हाय। इसका नाम लक्ष्मी है, ये हमारे कॉलेज में नई आई है। जानता हूँ, कमिश्नर की बेटी है ना। हाँ? प्रिंसिपल के ऑफिस में देखा था। ले ले क्या? ले लेते हैं। तो ठीक है, सॉरी दोबारा लेट होगी तो दूंगा खींच के। हाँ सॉरी। ये क्या था? ये हम लोग का फ्रेंडशिप शेक हैंड स्टाइल है, तुम भी करो ना। हाय हाय। लाओ लाओ। फ्रेंडशिप में पहले हाथ मिलाना, फिर वादा करना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ गया तो सॉल्व करने के लिए उसके और करीब आ जाना। उसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंडशिप पक्की होनी जरूरी है। देखो ये भी सीख गई। ये तो फिर पार्टी हो जाए। इस गधे को तो हमेशा पार्टी चाहिए रहती है। अपना काम कर। चल मुझे पेंटा चाहिए। पेंटा नहीं होता, फैंटा। चल जा तू भी अपना काम कर। जूनियर, ये जूनियर। क्या है सीनियर? लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है पता है, इसीलिए तो ऊपर वाला भी मेहरबान है। देखो ना दिन में भी जुगनू निकले हैं। चल लाइट नहीं मिलेगा, जुगनू से ही काम चलाओ। यूजलेस फेलो। अपने सर पर लाकर सजाऊं क्या सीनियर मेरे बाप? डांस करना है क्या? करना है ना। इन्हें डांस करना है, इसका नाम लिख लो। डू यू हैव अ कोक? थैंक्स। मेरे हाथ में ये कैसी बोतल दे दी? तुम अपने आप को समझते क्या हो? कुछ भी कर सकते हो क्या? मुझे शॉक लगा, इट्स टू मच। देख लिया ना, जब हमने फर्स्ट टाइम हाथ मिलाया था तो मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? आइए जी, सुनिए जी, मुझे परमिशन चाहिए जी, कुछ भी करूंगी जी, ये जी वो जी। अब क्या हुआ? अब देखो लाल पीली काली नीली हो रही हो। फ्रेंडशिप में सब चलता रहता है, नहीं होता है तो छोड़ दो। जूनियर बाहर बारिश होने लगी है। चुप कर। ये जगह यतीम बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनाने के लिए अलॉट करवाया है और तुम सब लोगों ने मिलकर इसे कोठा बना दिया है। मार डालूंगा मैं उसे। चल देखते हैं। पहले क्या हुआ देखते हैं यार। हैं? फिर से ये लोग आ गए हैं ना नौटंकी करने। मुझे भी यही लगता है कि ये लोग MLA के आदमी हैं। होंगे वो लोग, लेकिन हम लोग भी स्टूडेंट हैं। ये इलाका ही नहीं पूरा स्टेट हिला देंगे हम। टोटल आश्रम को हम लोग चुटकी बजा के बना देंगे। तो फिर देर किस बात? हाँ चल पहले उनसे दो दो हाथ खेलते हैं। हम लोग को मारने के लिए इसको मालूम है कि अपन कौन है। फोड़ डालेगा तोड़ डालेगा, समझते क्या है? ये घूर क्यों रहा है बे? तूने मुझे मारा बे? हाँ मारा बे। जाने देना यार, उन लोगों को कुछ और काम होगा। तुझे क्यों मारा उन लोगों ने? पता नहीं, समझ गया। ये क्या मार खाकर ये लोग चुप है? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। धना जब भी बोलता है तो सच सच ही बोलता है, तो खुद जाकर पूछ ले। हेलो कमिश्नर ऑफिस। यस सर, मुझे कमिश्नर साहब से बहुत ही जरूरी बात करनी है, जरा उनको फोन दीजिए प्लीज। हेलो। रॉन्ग नंबर। हेलो। देखिए मैं मल्ली घाट से बात कर रहा हूँ, यहाँ MLA गोविंद राव के लोग आकर। रॉन्ग नंबर। यस कमिश्नर ऑफिस। सर बात यह है। अरे आप लोग इधर कैसे? तुम डरो मत। अरे देखिए जो कुछ भी होगा मैं सब कुछ संभाल लूंगा। hey. आप यहाँ? तुम सबका बाप हूँ मैं। Come on. तुम कमांड करने के लिए क्या ये ओपनिंग नहीं क्लोजिंग है? मैं कोई चूहा बिल्ला नहीं, तुम्हारा बाप हूँ। चल मैं होम मिनिस्टर को फोन कर दूंगा तो तुम सस्पेंड हो जाओगे। चल चुपचाप।
होम मिनिस्टर को फोन करेगा? मुझे यार तोड़ देगा। मेरा जीजा होम मिनिस्टर, मैं तुम्हें बर्दाश्त करूं क्योंकि तुम ऑफिसर हो। कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैंने तुम्हें लाने का प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम क्या मतलब? डबल मीनिंग। शट अप। सीएम को बताऊंगा। सस्पेंड कराऊंगा। नहीं कराऊंगा। मैं समझ गया साहब, मैं समझ गया, पुलिस वालों से कोई टक्कर नहीं ले सकता था। रामदेव हम आ गए, तू बिल्कुल बेफिक्र रहे। कमिश्नर क्या है ये? एंटीसिपेटरी बेल। किसका है? उसका है। उसका मतलब? सर मैं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इसका है क्या? ये एमएलए गोविंद राव का आदमी है। आदमी है? गुंडा। यूजलेस। तुम्हारे आने की खबर सुनकर ड्यूटी ऑफिसर यहाँ से बाहर चला गया। यूजलेस इडियट। मैं उसे इन्फॉर्म कर देता हूँ, खुद ही पूछ लेना। क्या कर रहे हो सर? आफत से आपको इज्जत दे रहे हैं, लेकिन आप है कि इस शरीफ इंसान को तंग कर रहे हैं। क्या शरीफ इंसान? तुम लोगों को ये शरीफ सर लगता है? धर्मराज सर, तुम्हें? एमएलए जी, क्या ये शरीफ नहीं लगता सर? और कैदियों तुम्हें? नहीं सर, ये शरीफ नहीं है। ऐसे गुंडों को पालने वाला एमएलए, इसे छुड़ाने के लिए तुम लोगों को भेजा है? अब मैं अपना तरीका तुम्हें बताता हूँ। देख लिया, सारे के सारे चूहे भाग गए, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया? मैं एक लॉयर हूँ, मेरा फर्ज है इसकी हिफाजत करना। कैसे करोगे हिफाजत? ह्यूमन राइट्स। अच्छा, अप्लाई करूंगा। ऐसी बात कौन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? धर्मराज सर, वकील साहब कह रहे हैं सर। हाँ? नहीं, मैं तुझे कोर्ट में देखूंगा। ये जगह छोटा लग रहा है क्या? छोटी क्या, तू अपनी जगह खेलना। अच्छा क्या सीनियर, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं तो क्या, तुम्हारे साथ कौन खेलेगा? जब जीतता हूँ तो तू मुझे हरा देता है, मुझे नहीं खेलना। ए स्टीव, डबल खेलना सीनियर। रेडी हूँ धना। सीनियर? यस जूनियर। कुछ पकवान पकाना है क्या, यहाँ क्यों रखा है? तेरा सर कुछ पकाना नहीं है, ये लाइन पट्टी है। एड़े तुझे क्या हो गया सीनियर? अच्छा हो गया कि तेरा पैर इस पर नहीं पड़ा, नहीं तो तू यहाँ से घुसता और यहाँ से निकलता। नॉनसेंस। शिट। क्यों गाड़ी स्पीड में आ रही है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या, तू लगा नहीं सकता? आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। पागल तो नहीं है, ऐसे लोगों से तुम्हारी दोस्ती है? फ्रेंडशिप नहीं अंकल, चैरिटी शो के लिए प्रैक्टिस चल रही है। देखो बेटा कुछ भी करो, मैं अपनी उम्र के हिसाब से तुम्हें अनुभव से कह रहा हूँ, ऐसे लड़के अच्छी लड़की देखते हैं तो लार टपकाने लगते हैं। कोई भी लड़की हो, कैसी भी औरत हो, इनके लिए एक समान है। देखने वालों की नजर में खोट नहीं है, ऐसे सोचने वालों के दिल में खोट है। आपकी तारीफ। इतने जल्दी भूल गए, प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में मिले थे। ए लक्ष्मी बताना यार। हाँ अंकल, इन्हें मैं वहीं मिली थी। जी हाँ चाचा जी। चाचा जी, दिल में गलत सोच विचार रख कर हर किसी को गलत समझ कर उसे नीच समझने की आदत बन चुकी है लोगों की। 24 घंटा उस इंसान के साथ रहेंगे तभी तो इंसान वो कैसा है पता चलेगा ना, हर इंसान के साथ यही सब कुछ करना पड़ेगा। वैसे मेरी नजर में तो परफेक्ट जेंटलमैन हो आप। हाँ। एक सिंसियर ऑफिसर, मुझे आप बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो। वैसे आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो सर? मुझे भी तुम शरीफ लड़के लग रहे हो, बिल्कुल मेरी तरह। करेक्ट। अच्छा लड़का ही नहीं है, वाकई में एक अच्छा इंसान भी है। नमस्ते जी। सदा खुश रहो बेटा। वो तो मैं हूँ ही, आप इन्हें समझाइए। डैडी को मैंने फोन किया था, तुम मिले? मिलके मैंने क्या कहा होगा, जरा तुम सोच के बताना। तुम्हारे बिहेवियर के बारे में तुम्हारे पिताजी को 1 मिनट सर, तुम्हारे डैडी को प्रणाम करके, तुम्हारी मैं तारीफ करके तुम्हें बहुत ही अच्छा परफेक्ट कलाकार बनाकर उनके सामने भेजना चाहता हूँ। वो महान कमिश्नर गलत एमएलए को सपोर्ट करते थे, उसी के खिलाफ उनके हाथों से रिपोर्ट तैयार करने जैसा काम उस फोन ने किया। क्यों, इस एरिया का पोस्टमैन है तू, सारी खबर तुझे रहती है? वो तो रखना पड़ता है सर। संभाल जाओ। कोशिश करूंगा मैं। हाँ ठीक है बेटा। ए, चले क्या? आप जरा भी फिक्र मत करिए, एसपी साहब हमारे साथ है, सारा काम फटाफट हो जाएगा। हाँ हेलो, कहाँ जाके मर गए? ऐसी नहीं है, यहाँ पर क्या कर रहे हो? काम से आया था, तुम समझो तो यार। क्या नहीं समझ रही? एक मिनट मदद करूँ? शट अप। शट अप। अरे तुम्हें नहीं कहा? निशा। हेलो निशा, काट दिया। अरे तू जाना, अबे तू रुक, तू कहाँ जा रहा है? अबे मुझे छोड़ के जाएगा क्या इडियट? अगर कोई टॉपिक चेंज करना हो तो मुझे नहीं लगता धना से बेहतर कोई कर सकता है। हाँ तुम सही कह रही हो, सच्चाई जाने में अगर कोई कुछ भी कह देता तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ए सिगरेट ले रहे? अरे तू आजकल कड़का हो गया क्या जो मांग के पी रहा है? हाँ तू किसी से प्यार कर रहा होगा इसलिए तुझे शर्म आ रही होगी, मुझे मांगने में क्या की शर्म है। ए तू क्यों दूसरों का दिमाग खा रहा है रे? तो हम लोग का संडे का क्या प्रोग्राम है? संडे को क्या है? संडे हम लोग बीके से में बाइक रेस करने जा रहे हैं, तुम चलोगी? नो नो, संडे को डैडी घर पर रहते हैं। तो उन्हें मना लो ना, ये इतना आसान नहीं है। यानी दोस्तों से बढ़ के पेरेंट्स हो गए क्या? ऑफ कोर्स, फ्रेंडशिप अपनी जगह है। हेलो,
पेरेंट्स की इज्जत करना तो समझ में आ जाता है, लेकिन फ्रेंडशिप की इज्जत तुम क्यों नहीं करती हो? फ्रेंडशिप उससे बढ़कर है क्या? अभी दिखाऊं क्या? लक्ष्मी तैयार होके जल्दी नीचे आ जाओ, नाश्ता करने के लिए इसे कब से बुला रही हूँ, पता नहीं कौन से दुनिया में कोई रहती है। तुम बहुत बदल गए। तू आज भी वैसा ही है, मेंटली भी और फिजिकली भी। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। कॉलेज जा रही हो क्या? मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, ये अकेली जाएगी, यही ठीक होगा। सुनो बेटा, ऐसी ड्रेस में जाओगी? हाँ डैडी, ये मेरा फेवरेट कलर है, अच्छा है ना? जाओ। बाय डैड। आजकल के बच्चे सिर्फ अपने ही चलाते हैं, क्या जमाना आ गया। तू नहीं सुधरेगा, तू इस तरह करके लाइफ में टेंशन देता रहेगा अपने बाप को। वो इस दुनिया से अपनी आंख बंद करके चला जाए इससे पहले नौकरी ढूंढ के अपनी जिम्मेदारी संभाल ले बेटा। सर, मेरी नौकरी के बारे में, मेरे सुधरने के बारे में और मेरे पूरे एजुकेशन के बारे में किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। शट अप, अपना टेंशन दूर करो और चाय पी लो। चाय? इस वक्त कौन चाय पिएगा, मेरी चाय तो हमेशा यहाँ पर रहती है। मेरी ये फिजिकल पर्सनालिटी, शातिर दिमाग की क्वालिटी, एक ही नजर में पहचाने की एबिलिटी, नामुमकिन को मुमकिन करने की हिम्मत और वो काम कैसे करना है उसकी चतुराई, यही है मेरी वैरायटी। सुपर। हर चीज को बांधने की स्टेबिलिटी, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे सॉल्व करने की क्रिएटिविटी, पंचुअलिटी, प्रोफेशनलिटी, ये सब मिलाकर एक सेपरेट आइडेंटिटी है मेरे अंदर। सोसाइटी में ह्यूमैनिटी बनाकर सेलिब्रिटी पाने की खासियत है मुझमें। तेरी ये एक्टिविटी पुलिस के लिए बहुत सही है यार। वो भी कहां होगा सर, वहां अभी तो कुछ लगता है, सब जगह रिश्वत चलती है। घर में बैठे बैठे बोर होता हूँ, कॉलेज बढ़िया है। क्या हुआ सर, आप कुछ ज्यादा सेंटिमेंटल हो गए क्या? अबे इमोशनल नहीं, पुलिस कमिश्नर उठो। धर्मराज सर, इस एरिया के गुंडों और क्रिमिनल्स का फाइल कहाँ है? इस एरिया में कोई गुंडा या क्रिमिनल नहीं है सर। क्या? यहाँ पर कोई गुंडा या क्रिमिनल नहीं है सर। सच? फाइल क्लोज कर दिया है सर। किसने? पॉलिटिकल प्रेशर सर। तुम्हें सैलरी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ट्रेजरी सर। तुम्हारी नौकरी का फर्ज क्या है? पब्लिक की रक्षा साहब। तो बीच में ये पॉलिटिशियंस कहाँ से आ गए? असल में वही गुंडे हैं साहब। उन सब का फाइल तैयार करो और जल्द से जल्द मेरे ऑफिस में भेजो। लेकिन वो उसके लिए एक घंटे में भेजो। वन आवर। वाह क्या स्पीड है, क्या जोश है, शॉर्टकट में सारी बातें समझा कर चले गए। वैसे इनकी हाइट क्या है? 6 फीट। इतनी हाइट मुझे भी बनानी है, ऐसी ड्रेस में मैं कितना अच्छा लगूंगा ना। हाँ जी भर के देख लो, नो ऑब्जेक्शन। सिलेक्शन कब है? छोटा सा सजेशन है। बोलो। गेट आउट। क्यों बे, ज्यादा समझ में आ गया तेरे को? हम जो सेनापति, तू हमारा सामना करेगा? ए मारो रे इसको, अब तुझे कौन बचाएगा? नहीं, छोड़ो उसे, छोड़ो। हमसे टक्कर लेगा? नहीं, छोड़ मारो, रावे, रावे। क्या कर रही हो? छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो उसे, रावे, छोड़ दो उसे, मत मारो, नहीं बचा। ए रुक जा, लगता है इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। मेरे दोस्त को तुम लोगों ने मारा? तुम्हारे दोस्त ने सबके सामने कॉलेज में 2 बार मारा मेरे दोस्तों को। वो ऐसा नहीं करेगा। किया है उसने? तुझे किसने बताया? मेरे दोस्तों ने। इसलिए तू अपनी आंखों से देखे बगैर आके इसको मारेगा क्या? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई बे? नहीं नहीं नहीं, क्या है? तू चुप हो जा रहा है। ये तेरा एरिया है क्या? तेरा एरिया कौन सा है? मोदी मार्केट। वहाँ आके मिलो क्या? लेकिन कब? तू अपना टाइम बता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 बजे आ जा। 5 बजे ना, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। ओके ना। जूनियर क्या वो आएगा? अब क्या करें बिड़ू? अरे ये क्या, ये तो पूरा फौज लेके आ गया। अरे भाग जा से, चल चल भाग जा से। ए धन्ना कहाँ भाग रहा है, रुक जा, तूने मेरे दोस्तों को मारा था, रुक जा। अरे रुक जा, क्या कर रहे हो? यहाँ से कैसे निकलेंगे? जो होगा देखेंगे। कुछ हो गया तो मारेंगे या मरेंगे।
इस तूफान से हम निपटेंगे। जो डर गया वो मर गया। दोबारा हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। जो भाग जाते हैं वो बुजदिल कहलाते हैं यार। क्या हो रहा था यहाँ? फाइट सर। किस लिए हो रही थी? वो लोग आकर मेरे दोस्त को मार रहे थे सर। किस लिए मारा करके मैंने प्यार से पूछा तो उसने मुझे कहा कि ये तेरा एरिया है, क्या हिम्मत है तो तू मेरे एरिया में आकर देख। उसने मुझे ललकारा सर, आया और मारा। तो तू यहाँ का दादा है क्या? ऐसे कमीनों के लिए तो मैं दादा हूँ सर। वैसे ये लोगों को मैंने बहुत बार मारा है सर। वो लोग नीचपन करेंगे तो तुम भी वही करोगे क्या? ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करने लगेंगे तो हमारे देश का क्या होगा सर? सर आप बताइए। वो तब की बात है। ये अब की बात है। सर उस दिन अनाथ आश्रम को हड़पने के लिए एमएलए गोविंद राव ने अपने गुंडों को भेजा था, तो मैं अकेले ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। ओहो, तो वो तुम थे? तो फिर आपके ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, इसलिए तो मैंने आपको फोन किया। जो जो प्रॉब्लम जिस जिस तरीके से सॉल्व करना चाहिए वो प्रॉब्लम उस तरीके से करना चाहिए, सही है ना सर? कैसा भी प्रॉब्लम है तुम्हें उससे क्या लेना? वो सर समझ गए, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है, जाओ जाओ, सब जाओ। चलो 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 चलो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी आपके जैसा ऑफिसर बनना। हां ठीक है ठीक है, चल निकल। चलता सर। हेलो। सीखो सीखो सर से। क्या, चल भाग इडियट। अब उस गुंडे का क्या करोगे? वो अभी तक गुंडा नहीं बना है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन गुंडा बन जाएगा। लेकिन आज जो काम उसने किया उसमें उसका कोई पर्सनल मैटर नहीं था। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? अरे शर्मा, जो इंसान दूसरे को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान पर खेल जाए वो ऐसी गलती नहीं करेगा। ये बात नहीं है, तुम बढ़ावा दे रहे हो तो बढ़ रहा है, वो जो कहता है तुम सच मान लेते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं धना की फ्रेंड हूँ। धना है क्या? हाँ है बेटा, मैं देख रहा हूँ, रुको। ए छोड़ छोड़ छोड़। पहले ये बताओ, मेरी इज्जत के बिना मेरे रूम में कपड़े बदलने क्यों है? दूसरी गलती, तुम मेरी शर्ट क्यों पहन रहे हो? चिल्ला मत, एक लड़की बाहर खड़ी है। कोई लड़की वड़की नहीं है, वो मेरी दोस्त है लक्ष्मी। बेटा तू ये मत कह कि वो तेरी फ्रेंड है, तू ये कह कि वो तेरी लवर है। छी छी छी, ये कैसी बात कर रहे हैं पिताजी आप इस उम्र में? क्या है ना बेटा, तेरी भी उम्र हो चुकी है,
वो लड़की की है ना, आवाज मैंने सुनी है, कैडबरी की तरह मीठी है, उसका पूरा शरीर संगमरमर की तरह तराशा जैसा है, उसका पूरा बदन वाकई में बिल्कुल शीशे की तरह चमकता है। इस उम्र में भी आपकी आंखें ये सब देखती हैं। वो लड़की मुझे पसंद है बेटा, तू मेरा धन है और वो इस घर की लक्ष्मी है, दोनों मिलकर धन लक्ष्मी बन जाएंगे, कैसी रही जोड़ी? आप मामला जमाइए, मैं पुलिस ऑफिसर बनने के बाद शादी कर लूंगा। ओके बेटा, जब मैं तेरी उम्र का था तब मेरी शादी से पहले तेरी माँ भी ऐसी थी, अब उम्र के हिसाब से थोड़ी बदल गए हैं। अभी आप बोल बच्चन कम करिए, मैं आपको उसे मिलवाता हूँ। आइए लक्ष्मी, ये मेरे डैड। नमस्ते अंकल। हेलो। हाय। हाय। कितनी देर से मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, चलो जल्दी चलो। ए, चलो चलो अंदर, चलो चलो। कितनी देर लगता है यार, चल। मटन भैया कितनी देर से वेट कर रहे हैं आपके लिए, चलो जल्दी चलो अंदर चलो। पिताजी ये नाक सूंघने के लिए नहीं है, ये पेट भरने के लिए है। तुम भी चलो। चंद्रा जल्दी से बिरयानी बनाओ, बड़ी जोर की भूख लगी है। से कटोगे लाता ना यार। ये फालतू की बात मत कर यार, चीफ गेस्ट कौन होगा ये सोचो। ये पहला चांस है कि लेडीज फर्स्ट होती है। इनको क्या पता यार, इनको तो बर्तन घिसना आता है खाली। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम जैसी लड़कियों के ऊपर ब्लेम लगाना बहुत गलत बात है। ये हुई ना कल की बात। अच्छा, हमारा चीफ गेस्ट कौन होगा? ए, मैं कह रही थी कि तुम्हारे डैडी कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो चीफ गेस्ट बन जाए तो कैसा रहेगा? व्हाट, नो वे, ये नहीं हो सकता। हो सकता है, बिल्कुल नहीं। मैंने करके दिखाया तो? नहीं, मैंने लाकर दिखाया तो तुम मेरा कहना मानोगी? ओके, जो कहूंगा वो करोगी? टेंशन मत लो, उसकी कीमत है 28 रुपीज 50 पैसा, और वो भी बड़ा साइज। व्हाट, विद मैच बॉक्स। हेलो डैडी। हाँ बेटी, कहाँ हो तुम? फ्रेंड के घर पर। घर कब आ रही हो? अभी तो मैं आई हूँ डैडी। ओके, कौन से एरिया में? एरिया ए, भारत नगर। मैं नहीं जानती डैडी। लेकिन मैं जानता हूँ बेटी, सारे जो आते समय मैंने देख लिया था। चलो नमस्ते साहब, आपकी मैं क्या खातिर करूँ, आप हमारे घर में। डैडी ये इनकी, ये मेरी लड़की है। आपकी लड़की? मुझे किसी ने बताया था। हाँ बताया था, धना कमिश्नर साहब जा रहे हैं। ओ सॉरी, कमिश्नर साहब आए हैं। माँ साहब के लिए चाय लाओ। अरे रुकिए सर। अरे अरे सर, आप घर में आए और आपने चाय भी नहीं पी और ऐसे ही जा रहे हैं? अरे डैडी चाय लाओ, मैं लेके आता हूँ। सर एक मिनट रुक गया, दादी जल्दी लाओ ना। जा रही हूँ देवा। आप जरा इनसे बात कीजिए, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। देखो मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ उस दिन फाइट में। हाँ फाइट फाइट। ये कौन है? मेरा बेटा है, इसे बचपन से ही पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने का बहुत शौक है। ये कांस्टेबल है, इसका पहला तस्वीर है। बचपन से ही पुलिस बनने का शौक था, इसलिए खिंचाया है। एसआई साहब प्रमोशन लेकर वहाँ तक पहुँचना चाहता है। ये मेरी माँ है, मेरी माँ चाय अच्छा बनाती है। ये सर्कल इंस्पेक्टर का फोटो है, पूरा जज्बात है। और वो देखिए सर, इसे मत दिखिए सर। ये क्या है? एक्चुअली वो कमिश्नर का गेटअप है। थैंक यू, कम कम ऑन। अरे सर एक बात कहना तो भूल ही गया। क्या? मेरे पिताजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। सर सर सर, अब क्या है बाबा? सर आप एक मिनट दे देंगे मुझे? लेकिन किस लिए? ठीक है, अब जो भी कहना है कहो। सर ये अनाथ आश्रम बनाने के लिए हम लोग डोनेशन इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए हम एक चैरिटी शो करना चाहते हैं, अगर आप आते तो। लेकिन भाई वहाँ पर मेरी क्या जरूरत है? आपका होना जरूरी है सर, आप हमारे चीफ गेस्ट हो। चीफ? हाँ चीफ चीफ चीफ। ए चुप करे। चीफ सर, वो बोलना चाहता है चीफ, एफ और पी में उसे हमेशा गड़बड़ होती है सर। आई एम सॉरी, मेरा कहीं और प्रोग्राम है। नहीं सर, आप हमें पन्नी कर रहे हैं। पन्नी? हाँ पन्नी पन्नी फन्नी। सर आप कैसे भी करके आइए प्लीज। तुम्हारा ये प्रस्ताव मैं नहीं मान सकता। सर आपके कहने का मतलब है कि आप? मैं ये कह रहा हूँ कि आई कांट कम। सर प्लीज सर प्लीज। ठीक है सर, आपकी जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। सर पूरे शहर में इस तरह का मौका पाने के लिए हर गली में एक एक आदमी मिलेगा। सर इतने लोग होते हुए भी हम आपसे क्यों उम्मीद लगा के बैठे हैं? तू जानता है क्या? तू जानता है क्या? तू जानता है क्या? तू जानता है क्या? हाँ वही तो बात है ना यार। ये आश्रम की ओपनिंग जिस दिन होगी उस दिन उस काम की शुरुआत होगी और हमारी डेयरिंग स्टेप होगी। एमएलए से लेकर पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पर होगी। इस शहर में ऐसा प्रोग्राम पहले कभी नहीं हुआ होगा जो हम करेंगे, और इस तरह के महान प्रोग्राम के लिए मैं आपको चीफ गेस्ट बनाने की सोच रहा था और आप हमारे प्रोग्राम को ना बोल रहे हैं। सर आपने मेरा दिल तोड़ दिया है सर, मुझे बहुत बुरा लगा है। इट्स माय ड्यूटी सर, आएंगे ना सर? ड्यूटी, ओके आऊंगा। मैं जानता था सर अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर दीजिए सर। मैंने कहा कि मैं आऊंगा। ओ गलती होगी सर, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, सॉरी सर। थैंक यू सर। मुझे तो लगा ही था ऐसा होगा। डैडी एक्चुअली देख लिया ना ड्रामा। ये बात नहीं है डैडी, मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। क्या कहा तुमने? प्लीज मान जाइए डैडी।
ओके ओके नो प्रॉब्लम बट बताना चाहिए था सॉरी डैडी इट्स ऑल राइट गो अहेड आप भी चीफ गेस्ट के लाइन में है क्या नहीं प्रेस क्यों अरे यार अपना सारा इंतजाम अच्छे से हो गया है अच्छा हाँ ये तो बहुत बढ़िया सबसे कह दिया है 1 लाख का इंतजाम हो जाएगा अच्छा? तू फिकर मत कर यार उसमें से अपना भी कुछ निकल आएगा ये कैसी बकवास कर रहे बे तू अनाथ बच्चों के लिए वो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है उस पैसे से हम कमीशन खाएंगे रोड पे भीख मांगना उससे अच्छा है उसमें गलत क्या है तुमने सुना पहले ये लोग गलत थे लेकिन अब इन लोगों के दिमाग में भी गलती पैदा हो गई है दोहरी चाल चलना हमेशा गलत होता है तुम्हारे पिताजी ने कभी ऐसा काम किया है नो मेरे कहने का पहले मतलब जाके अपना ड्रेसिंग करो जाओ मेरे दोस्त लोगों ने बिना स्वार्थ के इस बिल्डिंग को खड़ा किया है बहुत मेहनत की है उन्होंने धना ये मेरा फादर ओ पिताजी वैसे दिखने में तो भाई लग रहे हैं वैसे आप खड़े होकर क्यों बातें कर रहे हैं बैठिए बैठिए बैठ के बातें करते हैं आराम से अंकल असल में मैं आपको समझ ही नहीं पाया हूँ जो हमने आपसे मांगा वो आपने दिया जो हमारी जरूरत थी उसको आपने पूरा किया फैन की कमी थी वो भी आपने दिलाई हमें एक चीफ गेस्ट की जरूरत थी वो भी आपने पूरा कर दिया आप इतनी छोटी सी उम्र में बाप भी बन गए वेलकम सर वेलकम थैंक यू ए सब लोग इधर आओ बैठ जाओ देखो साहब आए हैं कमिश्नर साहब आए हैं नमस्ते सर यो 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 अब चुप रहिए थैंक्स फॉर कमिंग सर इट्स आई रियली अप्रिशिएट इट यू आर नॉट रेडी 5 मिनट्स सर ए 5 मिनट में स्टार्ट बहुत अच्छे अरे मैं मर गया इसे तुम मजाक मत समझो इट्स अ ग्रेट लव स्टोरी हां ये लव स्टोरी है छह एक लड़की ने शादी से इनकार कर दिया तो लड़के ने जान दे दी सारे लव स्टोरी के पीछे यही कहानी है ये बताओ जब उसका लवर पानी में डूब रहा था तो उसकी जान बचाने की कोशिश करने के बजाय उसे वो टाटा करके चली गई उसके बाद क्या हुआ होगा उसे जाने की कभी तुमने कोशिश की है क्या कुछ देखो मेरी बात सुनो वो लड़की प्रेग्नेंट थी और उसने ये बात अपने प्रेमी को पहले बताई थी इसमें क्या बुराई है देखते ही किसी लड़की को अपना दिल देने वाले आशिक का अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है सारी बात जानने के बाद ही उस पर अपनी जान न्यौछावर करने वाला ही सच्चा इंसान होता है प्यार के नाम पर मरना बड़ी बात नहीं है एक साल से एक दूसरे से मिलते रहे बातचीत करते रहे एक दूसरे को अच्छी तरह जान भी गए सारे प्रॉब्लम को ठीक से समझ गए अब खुशी से जीने के बजाय वो लड़की ने अपनी जान दे दी और साथ में वो भी मर जाता है ओहो ये होता है सच्चा प्यार ऐसा कब हुआ वो तो मुझे भी नहीं मालूम मैंने ऐसे फिल्मों में देखा है लेकिन वो उसी खुशी से जीने वालों का प्यार ही सच्चा होता है बुजदिल की तरह जान देने वालों का प्यार कभी सच्चा नहीं होता सच कहूं तो प्यार में ये सुसाइड करने वाला मामला सिर्फ हमारे देश में ही है और कहीं नहीं है बाय लक्ष्मी तुम लोग यहां का बाकी काम संभालो मैं लक्ष्मी को छोड़ कर आता हूं क्यों रे बच्चे गुस्से में घुर रहा है तू बहुत तगड़े इंसान हो तुम सिटी पुलिस भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती इतने बड़े भाई हो तुम आपके सामने मैं क्या हूँ मुझे ये समझ में नहीं आया कि बिना किसी वजह से आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया समझ गए ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं भाई ये आपके बच्चे हैं अगर मुझे पता होता तो मैं इन्हें क्यों मारता भाई मैं इनको जाके सॉरी बोलूं क्या अबे तुझे मारने के लिए यहाँ पे आया हूँ कोई माफी नहीं मिलेगी अच्छा तुम मुझे मारने के लिए आए हो तो चलो मारो तुझ में हिम्मत नहीं है क्या नहीं है भाई तू कहीं मामू तो नहीं है नहीं भाई क्या है रे मरेला जिंदा लाश की तरह खड़ा है ये चल जा रे बाप रे बच गए हाँ लक्ष्मी चलो छी बेशर्मो नामर्द को मारने लाए हो जाके खुद नहीं मार सकते एक मरे हुए को मारने के लिए तुमने मुझे बुलाया भाई भाई मैं माँ की कसम खाता हूँ ये बहुत खतरनाक है बाय 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 सी यू या लड़की को उठा ला ओके भाई छोड़ो मुझे भाई मैंने कहा था ना ये सबकी कचुम्बर बना रहा है लफड़ा नहीं चाहिए करके मैं शराबत से पेश आ रहा था तू अपने आप को भाई कहता है क्या थू चल हट तुझे तो मैं मारूंगा जरूर लेकिन पहले इससे तो निपट लूं पप्पी लूंगा इसकी क्या करेगा मारेगा मारो इसे ये तो खेलती हुई कली जैसी है अब देख मेरे हाथों का कमाल सर ये पब्लिक रोड में गलत कर रहा था ये मेरी लड़की है सर आपकी बेटी इस नलायक के साथ ये दोनों दोस्त हैं सर वो फ्रेंड्स लोग के साथ टाइटैनिक फिल्म देखने जाने वाले थे क्लाइमेट ठीक ना होने की वजह से उसे पोस्टपोन किया गो एंड ड्रॉप हर ओके सर सर माँ की कसम मुझे कुछ भी नहीं मालूम मैंने कुछ नहीं किया सर सिर्फ मेरी लड़की नहीं अगर कोई और भी होता तो मैं अपनी ड्यूटी निभाता
सर मुझे गलत मत समझिए सर। अरे नहीं नहीं अब तुम जाओ। थैंक यू सर। पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर आना है, क्या? कब मिलना है? दुर्गा क्या कह रहे हो तुम? सुनो ना, कमिश्नर तुमसे मिलना चाहता है। कमिश्नर मुझसे मिलना चाहता है? ये काम तुम ही कर सकते सर, हो। सर उन लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है और मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मैं पैसे देने को तैयार। सर सुना आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? तेरे जैसे गली के दो टके के गुंडे से मैं क्या बात करूंगा रे? तेरी तो हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ। अच्छे बच्चे रोते नहीं। सुनो एवरीथिंग इज ओके, कम घबराने की कोई बात नहीं। अंकल को थैंक्स बोलो बेटा। साहब मेरी एक ही बेटी है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। मेरी भी एक ही बेटी है, इसको मैंने बाहों में भर लिया है, अब मैं इसकी पप्पी लूंगा। क्या करेगा, मारेगा क्या? देख क्या रहे हो, अपना काम करो। सीएम फंड के लिए 50 लाख रुपया दिया था उस सेठ ने, उन्हीं की लड़की को, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये काम तुम्ही ने किया है? जी हाँ सर, मैंने ही किया है। हमने उसे पकड़ने का काफी प्रयास किया था मगर नाकाम रहे। लेकिन क्यों? छोटे मोटे कमरे में बैठकर प्लान करने से वो सफल नहीं होता, ऐसे लोगों को मारने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है सर। और हमारा डिपार्टमेंट, ये गुंडे लोग हमें इस्तेमाल करके अपना काम चलाते हैं और कामयाब भी रहते हैं। एक बार डट के अगर इनका सामना करें तो फिर ये लोग कभी सर नहीं उठाएंगे। गुंडे लोग गुंडागर्दी करके डराते तो हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी जिंदगी प्यारी होती है। सर मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम चाहें तो गुंडागर्दी जड़ से खत्म कर सकते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं सर, लोगों के अंदर गुंडों का डर बहुत ज्यादा बैठ गया है। वो तो ठीक है, लेकिन पब्लिक को कौन समझाएगा? सीक्रेट तरीके से समझाया जाएगा। सीक्रेट से? हमारा देश आजाद होने के बावजूद माननीय अब्दुल कलाम जी को उस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितनी तकलीफें उठानी पड़ी है सर। हमारा कहने का मतलब सर, इट्स ऑफिशियल पीपुल्स लॉ और पीपल्स का हुकूमत होना चाहिए, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। सर ये एक एक्सपेरिमेंट है, लेट्स डू इट। मिस्टर महेश, शहर में आज भूचाल मची हुई है, लैंड कब्जे हो रहे हैं और हमारा कमजोर सिविल केस की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके सर, तो क्या सारे केस को मैं अपने तरीके से निपटाऊं? सीएम को मैं संभालूंगा। थैंक यू सर। क्या ये? ये LIC पॉलिसी का पैसा है। तू पुलिस बनना चाहता है ना, तो ये पैसा धंधे में न लगाकर पुलिस में भर्ती होने के लिए रिश्वत में दे दे। गलत पुलिस वालों की तरह मैं भी एक गलत पुलिस वाला बनूं तो ये बहुत ही मजाक की बात होगी। आपको ऐसे लगता है कि मैं पुलिस वाला कभी नहीं बन सकता, शायद आप यही सोच रहे होंगे। ये बात नहीं है बेटा, तेरा बाबी तो सही कह रहा। तुम समझाओ इसे माँ। तुझे नौकरी मिलेगी तो ही तू शादी कर पाएगा। मेरी तो इच्छा है कि तेरा घर बसने के बाद मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं। ठीक है, हो जाएगा। मेरा सपना पूरा होना मुश्किल है, शायद मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी पुलिस बनने की, शायद वो अधूरी रह जाएगी। पिताजी की मेहनत की कमाई मुझे रिश्वत में नहीं देनी है। सुन, तेरा सपना सपना चला गया। इट्स गॉन। आज का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से होना चाहिए, जल्दी करो। जरे संभाल ले। सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। टाइम तो हो गया है, किधर है वो? दादी जी क्या कर रहे हो? हम सब संभाल लेंगे। बुढ़ापे में कान खराब हो गए क्या? काटो ना। बुजुर्ग किसको कह रहे हो? मैं तुझे बुढ़ी दिख रही हूँ क्या? अरे बस हो गया, शांत हो जाओ प्लीज। सर आप यहाँ? तुम्हें उम्मीद नहीं थी ना, जिसका तुम्हें ज्यादा इंतजार है वो नहीं आई। क्यों नहीं आई सर? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं सर, आइए आइए आइए, हम आपने का इंतजार कर रहे थे। बेटी कच्ची देना। अरे नहीं बाबा, ये काम बुजुर्ग के हाथ से होनी चाहिए। मैं तुझे बुढ़ी दिख रही हूँ क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर, थोड़ा सा दिमाग। अरे वो कमिश्नर और पुलिस है। हाँ, मेरा गुस्सा मेरे नाक पे सवार रहता है। गुस्से के बिना रहती हो तो गुलाब के फूल की तरह लगती हो। ऐसा क्या? क्या हुआ, इसे बजा नहीं पा रहे हो?
सॉरी सर, क्या करूं जब कुछ समझ में नहीं आया तो। धना, आई अंडरस्टैंड यू आर नॉट हैप्पी। धना, खुद के एम्बिशन को मारना सही बात नहीं है। अच्छा, तुम मुझे कोई भी ऐसी जगह बताओ जहां रिश्वत ना चलती हो। मैं भी रिश्वत देकर ही पुलिस वाला बना। आप किस्मत वाले हो सर, अपनी किस्मत में तो कुछ भी नहीं है। मैं बदलूंगा सर तुम्हारी किस्मत। मैं समझा नहीं। यहां से कहीं और चले क्या? मुझे यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या सहना पड़ा यह मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। पॉलिटिकल प्रेशर, अपोजिशन का अटैक, फाइनेंस प्रॉब्लम, सख्त ट्रेनिंग में भगा देने का डर, और इन सब के बाद मैंने देखा शहर के कोने कोने में गुंडों का कब्जा, लूटमार, डकैती, पॉलिटिकल दबाव, यहां तक कि स्कूल के बच्चों को लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस स्थिति में मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। पुलिस का यूनिफॉर्म तुम्हारे जिस्म पे होना जरूरी नहीं है, और ये बात तुमने हर जगह साबित करके दिखाया है। यू आर राइट, तुम बिना यूनिफॉर्म के एक पुलिस हो। हीरा ही हीरा को काटता है, गुंडे को गुंडा ही खत्म करता है, इसलिए तुम एक गुंडा बन जाओ सर। हाँ धना, जिधर देखो उधर गुंडे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं और भ्रष्ट नेताओं की वजह से कानून के फंदे से आराम से बचकर निकल जाते हैं। तुम उन्हें पाताल से भी खींच कर लाने की हिम्मत रखते हो। तुम्हें अपना सपना पूरा करने के लिए यह काम करना ही होगा, और मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें मैंने एक रास्ता दिखाया, इस जंग के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगा दो। फिर गुंडा क्या, गुंडे का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कानून भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ धना, जो काम पुलिस नहीं कर सकी वो काम एक प्रेमी ने अपने प्यार को पाने के लिए किया, ये जानने के बाद पूरा देश एक दिन तुम्हें फक्र से सलूट करेगा, और तुम बन जाओगे एक सच्चा सिपाही। आर यू रेडी? सर, जो काम मैंने शुरू किया उसको स्टॉप करके आप मुझे दूसरा काम करने के लिए कह रहे हैं? मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। सिर्फ अपने लिए सोचने वाला खुदगर्ज होता है, जो पूरे संसार के बारे में सोचता है वो महान होता है। अब ये तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या बनना है, एक आम खुदगर्ज इंसान या कि महान। धना, जिंदगी भर क्या तुम एक नकारा इंसान की जिंदगी जीना चाहते हो? फिर तुम्हारी प्रेरणा का क्या होगा? रास्ते पर गुंडे मवाली नंगी तलवार लेकर तुम्हारी आंख के सामने घूम रहे हैं, और तुमने तो उन्हें खत्म करने का सपना देखा था ना। क्या तुम भी गुंडा बनना चाहते हो, या मेरी बात मानना चाहते हो? अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें लक्ष्मी को हमेशा के लिए भूल जाना होगा। अब तुम ही सोचो क्या करना है, तुम्हें एक आम जिंदगी चाहिए या लक्ष्मी चाहिए? बताइए सर, मुझे क्या करना है? भाई लोग, इस शहर में मेरे से बड़ा भाई कौन है रे? कमिश्नर ऑफिस। उसने तो सबका सफाया कर दिया। नंबर वन,
नंबर 50 ए जीप पे डाल। चलो बंद करो सब, बंद करो सब। सुनो, हम लोगों को 24 घंटा अलर्ट रहना है। ओके। लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं टूटना चाहिए। ओके। बाकी सारे काम कमिश्नर संभाल लेंगे। चलो कितने आदमियों को पकड़ा है? 30 लोगों को। सिर्फ 30 आदमी? इतने कम क्यों? बहुत तुमने गुंडा राज कर लिए, अब चलो अंदर। गया सर। हाँ तुम? पहले पुलिस बनना चाहते थे, अब गुंडे बन गए हो। बहुत से लोगों से मैंने मदद मांग ली, लेकिन अब कमिश्नर साहब और उनकी रानी बेटी का हाथ मेरे सर पर है। कमिश्नर साहब, हाथ नीचे करो, अपना काम करो, चलो बैठ जाओ। तुमसे मैंने बैठने के लिए क्या? वेल डन, गुड जॉब। गुड मॉर्निंग सर। ओह तुम मेरे चैम्बर में वेट करो। इज एवरीथिंग ऑल राइट जेंटलमैन? गुड मॉर्निंग सर। Each and every family member's photo and residence address available with proof. सब कुछ collect कर लिया? Yes, sir. This is very, very confidential. Okay? Okay, sir. मैं अपने chamber में जा रहा हूँ। कोई मुझे 15 मिनट तक disturb नहीं करेगा, okay? Okay, sir. Sir, वो not you also. It's my personal. Good morning, sir. सर, मैंने साबित करके दिखाया सर। नहीं नहीं, आपकी आपकी जीत हुई सर। मैंने तो तुम्हें जीत लिया धना। धना लक्ष्मी, लक्ष्मी। ओ, सर वो आपकी गलतफहमी हो गई सर, वो धना लक्ष्मी मेरी माँ का नाम है। वो मेरी मौसी की लड़की की गोद भराई थी। तुझे और कोई बहाना नहीं मिला, तुम फरेबी भी हो हुँ? सर वो साथ में शॉप बहुत बढ़िया है। ब्यूटीफुल, यू लाइक इट? बहुत अच्छा है। एक दिन तूने ये सोचा होगा कि मेरी लड़की के जरिए तू मेरी सारी दौलत पा लेगा। उसके पैदा होने के एक हफ्ते बाद ही उसकी माँ इस दुनिया से चली गई, और आज तक मैंने उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आज तक मैंने उसके लिए दूसरी शादी नहीं की, अपने कलेजे से लगाकर पाला है मैंने उसे। जब उसने आंख खोलकर पहली बार मुझे देखा था, तब मेरे आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था, और आज वही आंखें झुक गई हैं, और इसकी वजह तू है। मेरे इतने बरसों के लाड़ प्यार पर इस तरह पानी फेरने वाला सिर्फ तू है। जिस ड्रेस में मैं आपको देख रही हूं डैडी, उसी ड्रेस में मैं धना को देखना चाहती हूं। इतनी बड़ी बात करने के लिए उसे मजबूर करने वाला है तू। जब वो बीमार पड़ती थी और हाथ पैर भी नहीं हिला पाती थी, तो सिर्फ मेरे नाम का दम भरती थी। उसे आज मेरी मर्जी के बगैर स्टेज पर नाचने के लिए मजबूर करने वाला है सिर्फ तू। तू और तेरा क्लासमेट क्या है, तेरा कॉलेज क्या है, तेरा घर क्या है, तेरा रास्ता क्या है, तेरी उम्र क्या है, तेरी औकात क्या है, हु आर यू? मुझे मंजूर नहीं है तेरा प्यार, नहीं मंजूर है। चला जा, चला जा। वीरमणि ने सिर्फ मेरी लड़की को हाथ लगाया था तो मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन तूने मेरे दिल पे वार किया है। तू क्या समझता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? नो नो चांस। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया गुंडों को मारने के लिए नहीं, पुलिस में तेरा रिकॉर्ड खराब करने के लिए। मेरी एक बात तू ध्यान से सुन, अब तू कहीं भी रह, दुनिया के किसी भी कोने में तू चला जा, पुलिस के हाथ से बच नहीं पाएगा। तू अपने को समझदार समझता है ना, पर मैं ऐसा नहीं समझता। तेरी औकात क्या है यह मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तू अपनी औकात नहीं जानता। यह खतरनाक गुंडे का स्टैंप लगाकर तेरी पूरी लाइफ कर दूंगा क्लोज। अब तुम समझ गए क्या करना है? सर साइन। जाओ, ही विल नॉट साइन, गो। रुक जाओ,
आज के दिन तक, इस पल तक तुम्हारी बेटी के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडशिप का था। वो फ्रेंडशिप नहीं, वो प्यार था, ये आज समझ में आया है मुझे। और ये तरीका सिखाया किसने? तुमने, सिर्फ तुमने। मैं प्यार को ये समझ बैठा, कॉम्प्रोमाइज लेन देन ठीक से पता नहीं था, समझना मुश्किल था, यही मेरी गलती थी। पुलिस वाला बनने निकला था, अर्जुन की बदौलत कहां पहुंच गया। ओके, पुलिस ने अपनी चाट दिखा दी, क्या कहते हो? आज मैं तुमसे कहता हूं, बीच बाजार में सारे जनता के सामने तुम्हारी लड़की को उठाऊंगा, प्यार करूंगा और तुम्हारा यही सर मेरे पैर के नीचे होगा। ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। करूंगा, तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगा। करूंगा, मार डालूंगा तुझे। मैं करके दिखाऊंगा। जाओ जल्दी करो। बेटा धना, पुलिस क्यों आई है? कुछ नहीं पिताजी, जिस आदमी ने मुझे सपना दिखाया वही आदमी मेरे लिए मुसीबत बन गए हैं, समझे? आप फिक्र मत कीजिए। ये सब क्या हो गया? आप मेरे पिता हो, आपको मुझ पर विश्वास है। पिताजी, मैंने कोई गलती नहीं की है, आप सिगरेट पीजिए ना। मैं जाकर कमिश्नर से बात करता हूँ। उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बात को समझने की कोशिश कर बेटा, कमिश्नर के पास नहीं, उसे बात क्या करना, भूल जाइए, छोड़िए ना। ये बात आप किसी से मत कहना, अपने में ही रखना। अगर आपने किसी से कह दी तो वो जाकर उसकी लड़की को बता देगा और मुसीबत और बढ़ जाएगी। मुझे किसी की सिंपथी नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। वो प्यार मैं जरूर पाऊंगा। देवा, बाहर पुलिस वाले क्यों खड़े हैं बेटा? दादी, CI बनना है ना मुझे, इसलिए इंटरव्यू के लिए लेने आए हैं मुझे। IC नहीं, CI। वो तो तू बनेगा ही, लेकिन मेरे लिए IC। बड़ी माँ, गायत्री। दादी माँ, ये बात तुम सबको बताना भूलना मत। छोड़ो, देखिए पिताजी, मैं आपका ही बेटा हूँ। ओके, रोने की जरूरत नहीं है, चलो दादी माँ। क्या दादी माँ बोल रहा है, इतनी बुरी हो गई हूँ क्या? देवा पुलिस वाला बन गया इसलिए जीप में जा रहा है, उसे नौकरी लग गई इसीलिए चला गया क्या? जल्दी जल्दी करो, यहाँ से कभी भागने की कोशिश मत करना। चलो। क्यों बे, तू बड़ा स्वतंत्रता सेनानी की तरह शहीद होने के लिए सर उठा के खड़ा है, सर झुका के खड़े रहे। यहाँ भाईगिरी नहीं चलेगी, यहाँ मेरी हुकूमत है, समझा कि नहीं समझा? नजर नीची रहनी चाहिए। ये सिर्फ जेल ही नहीं, यहाँ के हर कोने कोने में मौत मंडराती रहती है। जो कोई भी यहाँ जरा भी गलती करने की कोशिश करेगा उसे यहाँ बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भागेगा तो इलेक्ट्रिक करंट से मर जाएगा, क्योंकि बाउंड्री के चारों ओर करंट वायर है और यहाँ चप्पे चप्पे पे पुलिस का पहरा भी है, याद रखना। आपकी समझ में आ गया ना? बोलना भी पाप होगा। सच है ये? सच है क्या? सच है। ओ, जेलर साहब, जेलर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। जेलर साहब, मैं कसम से कहता हूँ, जेलर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है, कसम खा, मैं सही कह रहा हूँ सर, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सर सर सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। हेलो, कोई चोरी नहीं की है सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। और हो गया, लेके जाओ उसे सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए। वो क्या है ना, उसकी फैमिली मरने दो, कानून की नजर में ये मुजरिम है, समझ गए ना? यस सर। भाई, हाँ, क्या यहाँ से निकलने का कोई भी चांस नहीं है? कौन कहता निकलने का चांस नहीं, एक बार मौका तो मिलने दो। सही कहा, मौका तो मिलने दे। महेश बाबू, ये जगह मुझे बहुत पसंद आ गई, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? मुझे घूर क्यों रहे हैं यहाँ पर? तू क्या हो गया है? अगर कुछ हो जाए तो ही यहाँ पर आना चाहिए क्या आदमी ने? सरकार ने मुझे यहाँ एंजॉय करने के लिए भेजा है। अच्छा, ये आपके साथ मुच्छड़ आदमी कौन है? दिखने में तो बिल्कुल भाई लगता है। ओह सर, ऐसा मत देखिए, मुझे डर लग रहा है। दाना, यहाँ तू कैसे आया? अरे यार, थोड़ा लफड़ा हो गया था इसलिए यहाँ पर आराम करने के लिए आया हूँ। CM को लेटर दिया है, देखते हैं क्या होता है। वो तो ठीक है, पर तूने क्या पेपर पे साइन किया था क्या?
कमिश्नर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे देखना पड़ेगा। अच्छा, कमिश्नर साहब तो बहुत बढ़िया हैं। तुम लोग कभी भी उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। क्या उसका चमचा बनकर आया है साले? यहाँ से चलो ना। रुकिए रुकिए, अरे अरे रुक जाइए, आप लोग इस तरह से आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तू हमें सिखाने आया है? तू बहुत बड़ा शाना है क्या? अभी दिखाता तुझे। यहाँ पर मैं बैठा हूँ, कोई लफड़ा नहीं चलेगा वरना भारी पड़ जाएगा। ए, ए, चलो चलो यहाँ से हटो, यहाँ से। अब मेरे समझ में आया कि तुम सचमुच के भाई हो। चलो चलकर नहाते हैं। चलो। ए, माय नेम इज धनंजय, मुझे अपना दोस्त समझो। ओके, नीला, नीला नाम है मेरा। थैंक्स धना। ए काली माँ, महाकाली माँ, जो बात मेरे पेट में छुपा है वो जल्दी से निकाल कर बाहर आ जा। ये बाहर निकल के आ गया। येलो साहब, तुम मिल के आओ। ओके सर, एक बात कहनी है। तू चुप रहना। तू क्यों मुंह खोला? ये तो हम दोनों ही जानते हैं, यहाँ पर जो कुछ हुआ हम दोनों ही जानते हैं। अगर इधर की बात उधर हो गई तो सारे पैसे चले जाएंगे, इसलिए मुझे 200 रुपए दे दे। तेरा उसमें क्या है, मेरा ही सब है। हेलो, इधर आ। अच्छा बोलो, मुझे देखकर क्यों चिढ़ाया था? तुम्हारी शक्ल चिंपैंजी जैसी है। तुम्हारा नाम क्या है? कविता। और वो कौन? मम्मी। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, थैंक्स। क्या ससुर जी, आपने मुझे प्यार के बदले में क्या तोहफा दिया? अभी तो बहुत कुछ देना। पहाड़ है, वाटरफॉल्स है, सारे के सारे पुलिस वाले बॉडीगार्ड लगते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, वैकेशन की छुट्टियाँ ऐसे मना रहा हूँ जैसे कि वीआईपी की छुट्टियाँ हो। मजा आ रहा है सर। एक बात बताऊँ, तुम्हारी लड़की लक्ष्मी के साथ शादी करके हनीमून यहीं पर मनाऊंगा। तू ये सपने में भी मत सोचना कि तेरी इच्छा कभी पूरी हो पाएगी। वो तो मैं तुम्हारे जीते जी करके दिखा दूंगा। तुम्हारी आंखों के सामने मैं उसे अपना बनाकर दिखा दूंगा, लक्ष्मी से शादी करूंगा, उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा और खुशी से जिंदगी बिताऊंगा। क्या बात है, लगाना झटका। इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सिगरेट से उंगली जल जाएगी। ये लो 5 रुपए और ऐश करो। थैंक्स। अच्छा सुनो, तुम्हारे ससुर का क्या नाम है? महेश चंद्र, कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या? ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, रखो। और इसका ब्याज? ये लो, ये भी रख लो। अंकल, मैं एक बात बताऊं? कोई बात नहीं, चिंपैंजी, चिंपैंजी अंकल। हाँ, मैंने यही कहा था। मम्मी, अंकल चिंपैंजी जैसे लगते हैं ना? बेटा, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते। सॉरी मम्मी। बेचारी। छोटी बेचारी या बड़ी बेचारी? हाँ, छोटी बेचारी। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। चलो चलते हैं। श्रीनिवास, जय वेंकटेश। अंकल, अंकल, अंकल। एक छोटी सी चाहत देना। पुलिस स्टेशन, मैं आई। तुझे क्या तकलीफ है? वो गया है सर, मेरी लाइफ का लाइसेंस गुम गया है। लाइसेंस गुम हो गया? हाँ। संभाल के नहीं रख सकता है क्या? ये कोई आरटीओ ऑफिस समझ के आया है क्या, जो मैं तुझे लाइसेंस बना के दूंगा? वो कागज वाला ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? मेरी महबूबा, जिससे मैं प्यार करता हूँ। हमारे देश में कोई लड़कियों की कमी है क्या? जितना भी पैसा खर्चो कोई बात नहीं, मेरी प्रेमिका को लंदन से इंडिया लाना है। रिश्वत का पैसा मैं पहले दे देता हूँ। ओके, उधर देखो ना सर। ये लो माल। इतना नोट में पहली बार। गुरुजी सुनो, आते हुए को मना मत करो, जो मिल रहा है उसे थाम लो। मिल जाएगा, नीचे उतर। ए, इधर आ। क्या है? खड़ा। ये ले, तू रेस्टोरेंट में 2 चाय बोलना। जा, जल्दी जा। हाँ साहब, जा रहा हूँ। पैसा तेरे पास रख, घर पहुँचा देना। चलो इसी वक्त जल्दी जाओ। जिसे तुम प्यार करते हो उसकी तस्वीर है? उसे ढूंढने के लिए हमें फोटो की जरूरत पड़ेगी। यही मेरा लाइसेंस। बेटा, यही फोटो वाली सच में तेरी लाइसेंस है क्या? बिल्कुल यही है। अच्छा, जब तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो क्यों नहीं ढूंढ लेते तुम इसे? तुमसे काम नहीं होगा, मेरा पैसा वापस करो। वो मेरे पास कहाँ है, वो तो उड़कर चला गया। मेरी गर्लफ्रेंड लाइसेंस का पता लगाना तो बहुत आसान है। शैम्पू बोतल में भी वही छपी रहती है। जिसके पास नाक होगा वो सूंघ के बता देगा, समझ गए ना? बी केयरफुल। क्या आज खाना तुम लोग साथ में बैठकर खा रहे हो? खाओ खाओ। क्या ये? वो मेरी बच्ची का जन्मदिन है, इसलिए मैं
सबको यहाँ मिठाई बांटने आई हूँ। यहाँ इसकी इजाजत नहीं है, तुम इसके लिए परमिशन लेके आई हो क्या? ए, चुप चुप, समझ में नहीं आया क्या, क्यों खड़े हो यहाँ? सॉरी अंकल, मैंने ही बोला था। हाय सिंपैंजी अंकल। हाय। देखा ना, यहाँ हर कोई मौत के साए में है। हॉस्पिटल में सिजेरियन करते समय उसकी लापरवाही की वजह से ऑपरेशन के वक्त मेरी बीबी इस दुनिया से चली गई, इसीलिए मैंने उस डॉक्टर को मारा था। तुझे सलाह दूंगा तो मानेगा क्या? बताऊंगा सर। लड़की को पटाकर उसके जरिए उसकी माँ से शादी करके घर बसा ले, समझ गया क्या? मैं जानता था ये सब तेरे बस का नहीं है। ये देखो, रहते हैं जेल में, समझते हैं महल में, औरत को पटाने में लगे हुए हैं। थू? अच्छा, ये तुम मुझे बोल रहे हो क्या? अरे उसके लिए, औरतों को देखता है तो साले के मुँह से लार टपकने लगती है। ठीक कहा, उसे बोलो। वक्त गुजर गया है, समझाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बस हो गया बहन जी। ओ, मुझे नहीं बोला। मुझे भी नहीं। अरे बस करो भाई साहब, बाद में खा लेना। क्यों बेटा, मुझे नहीं दोगी? आपको भी चाहिए क्या? मेरी बच्ची, खाओ खाओ। अंकल खाओ ना, मैं लेकर आई। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हटाओ। ये क्या नक्शा बना रहे हो क्या जेल का, या पेंटिंग है? अच्छा पेंटिंग है, ओहो तुम तो बहुत ही अच्छी ड्राइंग कर लेते हो। ये क्या है, ये सब टेढ़े मेढ़े रास्ते कौन से बने हुए हैं? रेलवे ट्रैक है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है भाग जाना चाहते हो। यहाँ से भाग कर जाना इतना आसान नहीं है। क्यों भाई? ट्रांसफार्मर के थ्रू तार में जो करंट लगा है उससे हमारा लाइफ एकदम फिनिश। कुछ ठीक करो और नजर रखो, ओके? क्या हुआ? ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया सर। ब्लास्ट हो गया? इंजीनियर से बात कर लिया हूँ सर, वो तुरंत दुरुस्त कर देगा। सिक्योरिटी टाइट कर। इतनी जल्दी क्या जरूरत है सर? सवाल मत पूछो, जो बोल रहा हूँ। ओके सर। ओके। हेलो। हेलो बेटी, तुम अकेली बाहर कहीं मत जाना, घर पे रहना और अपना ख्याल रखना। ओके ओके। बहुत बढ़िया गिफ्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। आपके दिए हुए गिफ्ट में मैंने गोल्ड फिश डाली है, बहुत खूबसूरत है। लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ है वो? वो तो घर पर ही है साहब। क्या ढूंढ रहे हैं डैडी? कुछ नहीं बेटी, मैं अपनी टैबलेट भूल गया था, इसीलिए देख रहा था कि क्या वो खत्म हो गई है या ये क्या भैया, कैसे भूल गए? मैंने तो दिया था, जेब में रखा होगा, देखो। याद आया। क्या हुआ डैडी, कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा सर दुख रहा था इसलिए। तुम अपना काम करो। ओके ओके ठीक है डैडी। अपना ख्याल रखना। ट्रांसफर रेडी है साहब। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे तार चेक करो ताकि यहाँ से कोई भाग ना पाए। ये तुम लाइन चालू करो। हाँ कर रहा हूँ साहब। 50 है तू ही है ना? आप क्या समझे, मैं भाग गया हूँ, यही हूँ। 51 51। थैंक्स साहब। सर 51 लापता है। यही कहीं होगा, देखो वो मेरे साथ है। लाइट चली गई है ना, तो मुझे मोमबत्ती दिखा रहा था।
ये साला इतना शरीफ कब से हो गया? हाँ साहब बन गया है। हाँ ठीक है, तुम अपने तक ही रखो। अब सब सुन लो, चेकिंग ओवर। चाय। वो सब मैं संभाल लूंगा, परेशान कर रहा है। मैं तुमसे मिलने आया था लेकिन नहीं मिल पाया धना। उधर क्या है? कुछ नहीं डैडी। शादी कैसी रही? वेरी नाइस। ओके तुम आराम करो। ओके। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं डैडी। सर बिल्कुल सही है सर, आपका अनुमान सही निकला। वो कहाँ है? वो फरार होने की कोशिश किया था सर। कौन? उसका नाम है नीला। वो नहीं है। और सुन ले बे, दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। कल रात को तुम यहाँ से कहाँ गायब हो गए थे? ए चुप रे, क्या रे तू नींद में पागलों के जैसा बड़बड़ता रहता है? चुपचाप मुंह बंद करके सो जा, समझा? सो जा। हाँ। क्या तुझे सेपरेटली समझाऊं क्या? हाँ, क्या ये सच नहीं था ना? गुड नाइट तुम्हें, स्वीट ड्रीम मुझे। अब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ बेटी। इतनी जल्दी क्या है? ट्रांसफर, यहाँ से दूर। यानी घर पर ही रहोगी क्या बेटी? ये बात नहीं है। तो फिर है क्या, जाओ। सुनो लक्ष्मी, देखो मेरा कजिन लंदन से आया है, उसे नहीं मिलोगी? हाय। हाय, खाओगी? नो थैंक्स। ओके। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा वैसे तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? हाँ क्यों? क्या है कि तुम्हारे भाई के साथ मेरी कुछ अनबन हो गई थी। जानता हूँ, उसे आगे बढ़ाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गलती करके भी कोई गलती नहीं मानता। जिस वजह से हुआ था मैं जानता हूँ, तुम्हारे रिलेशन के बीच वो आ गया था। अच्छा, जो लड़की तुम्हारे साथ थी उसके लिए तुम मेरे भाई से भिड़ गए थे। वो मेरी जिंदगी थी। कैसी जिंदगी? कमिश्नर की बेटी। कमिश्नर? 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 कमिश्नर अब तुम मरेगा, मैं मारूंगा तुझे। हे नीला, जैसा तुम समझते हो वैसा कुछ भी नहीं है यार। हे नीला, जल्दी से आ जा, कोई नया बकर। मेरी अरे जान गाने आ गया। अरे जान भर गई। किधर है, कहाँ छुप गया? अब 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 बात नहीं करना, बात निकलो, बात निकलो, मेरे सामने आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मुझे लाइसेंस चाहिए, मुझे लाइसेंस चाहिए। अरे तुम्हें तो ऐश्वर्या राय जैसी लड़की मिलनी चाहिए। हाँ, कुछ पैसा और देना पड़ेगा। मैं जरूर दे दूंगा, मिल तो जाए। पर मैंने सोच लिया, ऐश्वर्या राय कैंसल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तुम्हें छूता हो तो शौक लगता है, तुम्हें करंट है क्या? मेरे लाइव दोनों फोटो में से एक भी लड़की नहीं ढूंढ पाए। ये दोनों लड़कियों में एक गुण होना चाहिए, समझ गए ना? ऐश्वर्या राय बॉलीवुड, डायना एडन हॉलीवुड, इनमें से कौन सी सही है बोलो? दोबारा उसका नाम लिया तो तुम लोगों का मुंह कान फोड़ूंगा। हाँ तो कौन में से कौन सा चाहिए? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। इले मुझे लगा पीले पीले पीले। ऐसे पागलों का फेवर करेंगे तो वर्दी के साथ हम भी हवा में लटकते रहेंगे। लगता है हमारी किस्मत में यही है। देखो बेटा, बेटी हीरा होती है लेकिन कुछ राक्षसों से राम टकराए थे। और राक्षस कौन था वो? तो क्या बात है साहब, आप यहाँ पधारे और अभी हमसे मिलने के लिए? लाल कारपेट बिछाकर मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। आइए आइए सर, आइए आइए आइए, यहाँ पे बैठिए आइए। आई एम सो हैप्पी आप मुझे पर्सनली मिलने के लिए यहाँ पर आ गए। फोन पर तुम मुझे ससुर जी कह रहे थे ना? फोन में कहने में क्या तकलीफ है सर, आपके सामने कहने में जरा टेंशन है। टी? अरे पी लीजिए ना सर, दूध की चाय बना देता हूँ। नहीं। शुगर? मैं नहीं लेता। ओ, आपको डायबिटीज है ना, मैं भूल गया था। अब तेरा इरादा क्या है? इरादा क्या है सर, तुम बोलो तो फिर से ढिशम ढिशम स्टार्ट कर देता हूँ। तो करते क्यों नहीं? यहाँ ऐसे कैसे मुमकिन है सर, चारों तरफ बिजली का करंट है, तगड़ा बंदोबस्त, फुल सिक्योरिटी, ये इतना आसान है क्या? मैं जानता हूँ तेरी कैपेसिटी, तू फरार भी हो सकता है। ऐसी कैपेसिटी वाले को आप यहाँ क्यों सड़ा रहे हैं? वैसे देखे तो आप मुझे अभी भी नहीं जानते हैं। लीजिए चाय पीजिए। थैंक्स। कल रात तुम कहाँ थे? ओ, तो ये भी पता चल गया क्या आपको? कल रात कहाँ थे? आपकी लड़की से मिलने। क्यों, उसने बताया नहीं आपको? वैसे ये बात वो आपको बताएगी भी नहीं, वो तुम्हें नहीं बता कर बिल्कुल सही कर रही है। She's in law। ज्यादा बोलेगा तो उड़ा दूंगा। सर, सर, प्यार में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है ना सर? फिर भी बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। सर, मैं हमेशा के लिए यहाँ से भागने से पहले एक बार भागकर आपकी लड़की से मिलने के लिए ट्राई किया था सर,
ये बात सच है, इसलिए मेरे दोस्तों से कहकर सिटी में लक्ष्मी से मिलने के लिए मैंने कहा है। दोबारा उससे मिलकर जो आपने मुझसे कहा वो मैंने किया, और फिर उसके बाद मैं उसे मिलकर सब कुछ बताऊंगा। तो उससे कहां मिला था? वही अनाथ आश्रम जिसकी ओपनिंग आपने की थी। लक्ष्मी से भी फर्स्ट टाइम मैं वहीं पर मिला था, हमारे प्यार की शुरुआत भी वहीं हुई थी। इसी की वजह से आगे के सेटलमेंट के लिए एक छोटा सा प्रस्ताव है। यह नामुमकिन है, मैं वहां पर मिलकर रहूंगा। नहीं, साबित करूंगा सर। वो मेरी बेटी है, समझे? लक्ष्मी मेरी होने वाली पत्नी है। नो चांस, नो चांस। तू आज बच गया, तू मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। कानून का एक उसूल है। कमिश्नर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू क्या समझता है? कमिश्नर, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। छोड़, कमिश्नर छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ बोलो। अरे इडियट, फोन काट दिया। शिट, नमस्ते। नमस्कार। आपसे मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए। कहिए। धना जब कभी भी यहाँ आएगा तो आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म करोगे? हाँ। ओके। सर, तुम गलत नहीं करोगे, मैं जानता हूँ। चारों तरफ कड़ी नजर रखो। यस सर। दूर दराज इलाकों में कांस्टेबल्स को भेजकर कड़ी नजर रखने के लिए कहो, और आश्रम वाला तुम्हारा जॉब है विनय। ओके सर। जहाँ देखो लूटमार मची है, लड़कियों को देखते नहीं। मेरी कहने का मतलब, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आइए आइए। ओहो सर, आप वो मैडम के वही रिश्तेदार है ना? तुम्हें कैसे पता? कैसे पता है, एक मिनट के 60 सेकंड में 120 बार ये आपको ही याद करती रहती है सर। इतना कौन याद रहता है, पागल। वैसे आप है कौन? मैं यहाँ का, यहाँ के स्टाफ हूँ ना। बहुत सही पहचाना आपने, समझदार हो। ये क्या, इन्हें परेशान मत करो, चलो चलो। भैया बोलो। सिटी बैंक से कुछ लोग आए हैं क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन के लिए। लक्ष्मी से कहो। लक्ष्मी घर में नहीं है। वो कहाँ गई है? किसी स्कूल में गई है। कौन से स्कूल में? मुझे नहीं मालूम, बैंक वालों को क्या कहूं? जाने के लिए कहो। जाओ यहाँ से। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ जाकर अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से अंजाम दो। यस सर। किसी को भी अंदर जाने मत देना। किसको साहब? मेरे बाप को, यू ब्लडी फूल। धना कैदी को। प्रिंसिपल साहब आपसे कोई खास बात करना चाहते हैं, आपका वो वेट कर रहे हैं अंदर। आइए आइए, चलिए मैडम चलिए। आप क्यों खड़े हैं सर, आप भी जाइए ना। वो कुछ खास बात कर रहे हैं, अगर आप बीच में जाएंगे तो शायद उन्हें डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए। अरे जाइए ना। इट्स ओके, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा बीच में जाना अच्छा नहीं है। मैं यहीं पर रहता हूँ, वो आएगी तो आवाज देना, मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ। ओके सर। ये क्या, तुम तो मुझे भूल ही गए, एक फोन भी नहीं किया मुझे। तुम तुम्हारे डैडी को बता कर नहीं आई हो? नहीं तो? क्यों नहीं बताया? बताना जरूरी था क्या? तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। मुझ पर तुम्हें इतना भरोसा है? क्यों नहीं, क्यों नहीं विश्वास करूं? धना कुछ कहो ना। कह तो रहा हूं। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार मेरी आंखों में झांको। ऐसा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। कुछ नजर नहीं आया? पता नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूँ और तुम्हारे दिल में क्या है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं नहीं जानती, हम दोनों के बीच सिर्फ फ्रेंडशिप है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, शुरुआत फ्रेंडशिप से होती है, फिर प्यार। मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। शट अप। लक्ष्मी रुको, ये हो सकता है कि मेरी सोच गलत है। इंडियन कल्चर के अनुसार मुझे एक ऐसा इंसान बताओ जिसे पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया हो, शादी की पहली रात में ही दो अनजानों में प्यार हो जाता है, लेकिन हमारे इतने दिनों की मुलाकात प्यार का इजहार नहीं कर सकती। Don't talk. तुम इस तरह की बातें करोगे, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। I hate you. अब तुम्हारी सूरत से भी मुझे नफरत है। लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, where are you?
मैं यहाँ हूँ, काम कर रही थी डैडी, आपके कुर्ते में बटन लगा रही थी। ओके ओके ठीक है जाओ। चाय। ये चाय है भैया? आई सेड कॉफी। हाँ तो उधर किससे मुलाकात हुई? चिल्ड्रन। उसके अलावा? नथिंग स्पेशल। सोचो जरा। नो साहब, जरा बिजी हैं, आप बैठिए। किसी और ने तुम लोगों से बात किया था क्या? नो। लक्ष्मी से मिलने कोई और आया था क्या? जरा या भैया कॉफी। मुझे अभी कॉफी नहीं पीनी है। तुम एक काम करो, ये दोनों तुम ही पी लो। जेंटलमैन, जब मैं उसके साथ था तो किसकी हिम्मत हो सकती, मैं जो उसके साथ था। मेरी मसल्स तो देख रहे हैं ना। ओके ओके वेट, मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाता हूँ। नो नो अंकल, मैंने नहीं। बहुत सही पहचाना आपने, समझदार हो। बताओ देखा था क्या? नहीं देखा अंकल। इसे नहीं देखा अंकल। नो। इसका मतलब वो यहां पर नहीं आया, इन्हें जाने दो। सर यहाँ? मैं जानता हूँ जो तुम्हारे लड़के के साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, जाओ ले आओ उसे। ओके। गुड इवनिंग सर। पिताजी आप यहाँ? मैं लाया हूँ। मेरे बाप, मुझे तू यही दिन दिखा है इसीलिए तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। बेटा मेरे प्यार की खातिर तू एक गाँव छोड़कर कहीं और जाकर अपनी जिंदगी बसर कर। नहीं पिताजी, मैं लक्ष्मी के साथ नरक में भी रहूंगा तो वो नरक भी मुझे स्वर्ग लगेगा। लक्ष्मी लक्ष्मी भूल जा, कुछ हमारे बारे में भी सोच बेटा। क्यों, उसके सिवा इस संसार में कोई और लड़की नहीं है क्या? आज मैं करोड़ों मर्द होते हुए भी आपको पिता मानकर प्यार करता हूँ। और ये भी सच है कि मैं जिस तरह आपसे प्यार करता हूँ उसी तरह लक्ष्मी से भी प्यार करता हूँ। लक्ष्मी मेरी जान है। क्यों रहे हो? किस लिए बुलाया सर? इसलिए बुलाया है कि तुम्हारे पिताजी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। सर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ला दे बे। हाँ दे रहा हूँ सर। जल्दी दे, ये लो परमिशन, जल्दी जाओ। ओके सर। ये भी कुत्ते की मौत मरेगा बे। तू मुझे बच्चा क्यों बोलती है? मैं तेरा क्लासमेट हूँ ना, मुझे अंकल बोल। अंकल क्यों बोलो टिंगू, तुम बूढ़े हो क्या? ए, गुलमोर का डकार है। पता नहीं भाई। ए, क्या बोल रहा है तू, तुझे पता नहीं है क्या? कह दिया ना मुझे नहीं पता, मेरे पिताजी बहुत ही सीरियस है, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। गुंडों की बोली में मैं तुम्हें पुलिस की तरह जॉब दूंगा। बहुत शेर लगता है रे तू तो। हुआ क्या? किस्मत की लिखी हुई एक घटना थी। इसका क्या मतलब? मुझे नहीं पता था कि मेरा लड़का तुमसे इतना प्यार करता है। जो भी हुआ उसी प्यार का नतीजा है। तुम्हें नहीं पता मेरे परिवार में बहू लाने के लिए कब से उसे मना रहा हूँ। उसका दिल तुझ पर मर मिटा है। तुम उसका साथ दोगी
तो मैं सबको संभाल लूंगा। मैं सच कह रही हूँ अंकल, मैंने उसे प्यार की नजर से नहीं देखा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मेरा विश्वास कीजिए अंकल, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने उसे एक अच्छे दोस्त के अलावा कभी कुछ भी नहीं समझा अंकल। दोस्ती के अंकुर में ही प्यार फूटता है। हाँ दादी, फूटता होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं जरूर कह देती। मैं चलती हूँ अंकल। अंकल वो अब कैसे हैं? तुम्हारे दिल में कोई लावा उबल रहा है, बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा सपना था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। मेरी बदकिस्मती से मैं नहीं बन सका। आज पिताजी हॉस्पिटल में हैं तो मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उस नन्ही से बच्ची के लिए, वो अपने जन्मदिन पर मेरे लिए कुछ लेके आई थी। मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ। किस लिए? उसे तेरा क्या रिश्ता है? सिर्फ तू ही क्यों देगा, तो हम भी कुछ देंगे। ऐसा क्या? हाँ, तो हम भी कुछ करेंगे। क्यों धना, तुम आओगे ना? मुझे नहीं आना है, तुम लोग जाओ। चल ना यार, सब खुशियाँ मनाएंगे। तुम लोगों के साथ मैं भी खुशी का बहाना कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। अपने तजुर्बे से कहता हूँ, किसी को देखते ही उसे भूल से प्यार मत करना, बाद में वही प्यार जहर बन जाता है। इसलिए इन सब लोगों को यहाँ पर देखो, बेचारे यहाँ मर रहे हैं। बेचारे यहाँ पे मर जाएंगे धना, और वहाँ उनका क्या होगा? तेरे साथ ऐसा होगा, तू भी मर जाएगा। क्या कह रहे हो नीला? क्यों, दुनिया में ऐसे होता नहीं क्या? और जो हो रहा है उसे सच कहने में बुराई क्या है? जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, उसको कहने में बुराई क्या है? वो सही तो कह रहा है। ठीक है ना कविता? आजा बेटा, आजा। बेटा तेरे लिए ड्रेस। वाह कितना प्यारा है, थैंक यू अंकल। दिखो दिखो, देखो बेटा इसको इस तरह पहनते है। हे चुटकी, इस इंसान को तुम चाचा क्यों कहती हो, पापा कहा करो। ये था ना? क्यों मोहतरमा, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? सुन भाई, अब तो खुश हो ना, अब उस बच्ची का बाप ही नहीं उसके माँ के पति बनने जा रहे हो। रिश्तों को सुधारो, ये काम एक कलम भी कर सकती है। कलम? नौकरी पाने के लिए एक आदमी ने नया कलम खरीदा, वो कलम अकस्मात गुम गया। वो कलम फिर जिसके हाथ में पाया उसी लड़की से उसने शादी कर लिया। एक कलम जो काम कर सकता है वो दुनिया भर के बोल बच्चन भी नहीं कर सकते। कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। हेलो, मैं बोल रही हूँ। तुम्हारी आंटी, मेरी कलम। हाँ बोलो। मेरा काम हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें मुबारक हो। क्या? कि तुम्हारा पति एसआई के लिए सेलेक्ट हो गया। हो गया क्या? पर पहले क्यों नहीं बताया? क्या बात कर रहे? क्या क्या कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एसपी ने कहा है। नो, शो मी दैट। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। सच कह रहे हो? जी हाँ। ड्यूटी छोड़कर लक्ष्मी के साथ? करेक्ट है। इसे पैक कर दीजिए। सॉरी। अरे बाबा गलतियों को ये पसंद है ना। हाँ। कहने से क्या होता है? अरे तुमसे नहीं कह रहा हूँ, जाओ पेप्सी पी लो। हाँ क्या कह रहे हो? अरे लक्ष्मी है। हाँ तो मुझे पहले नहीं बता। अरे सुनो, क्या एक ही बात बार बार रखती रहती हो तुम? चल बैटरी डाउन हो गई है। हाँ कितने पैसे? नहीं सर, पैसा रहने दीजिए। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? पुलिस वाला समझ के पैसा नहीं ले रहा है। चल रख ले। तुम्हारे दिल में धना के लिए क्या जगह है? एक फ्रेंड है बस, और कुछ भी नहीं। अंकल ये मैं नहीं जानती क्या? तूने अपने दिल की बात अपने दिल में ही दबा रखी है, पर धना ने इजहार कर दिया, तू भी क्यों नहीं कर देती? प्यार छुपाने से छुपता नहीं है। अंकल मैं तेरा चाचा हूँ, तू मेरा कहना मान ले। अंकल मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है अंकल। प्यार को तुमने क्या खेल समझ रखा है? तेरे पिताजी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लक्ष्मी, तेरे चेहरे से तेरे दिल की सारी बात पढ़ रहा हूँ मैं। तेरे खुलकर इजहार करने में कोई पाप नहीं। जरा धना को बुलाओ। ए धना, तेरा फोन आया। हेलो। हेलो कौन? अरे कुछ बोलो ना, मैं धना बोल रहा हूँ। आई हेट यू धना। लक्ष्मी, तुमने अपने प्यार का इजहार किया लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाई, तुम मुझे ठीक तरह से समझा ही नहीं पाए। आई हेट यू। मेरे डैडी ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आई हेट यू। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन ये मेरा दावा है कि तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। आई हेट यू। मेरी वजह से तुम मुझसे दूर हो गए। आई हेट यू। तुमने कभी मुझे ठीक से समझाया ही नहीं। आई हेट यू। आई हेट यू। आई हेट यू। लक्ष्मी क्या हो गया? लक्ष्मी लक्ष्मी मुझसे बात करो। लक्ष्मी
धना क्या हुआ? धना क्या हो गया? क्या हुआ धना? धना मुझे सारी खुशियां फिर से मिल गई। मतलब? वही खेल खत्म, दुकान बंद। रुको, कहां थी अब तक? क्या एक फोन नहीं कर सकती थी? तुम्हें पता है मैं यहां पर कितना परेशान था? कहां थी तुम? इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं डैडी? मैं कहीं भाग तो नहीं गई? लक्ष्मी मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, हम सुबह बात करेंगे। लक्ष्मी क्यों चिल्ला रहे हैं? धना कहीं मुझे भगा कर तो नहीं ले गया? यही सोचकर आपको टेंशन हो रही है, ये मैं समझ सकती हूँ डैडी, लेकिन उसके घर वाले, वो कहाँ है, कैसा है और क्या कर रहा है, ये जाने के लिए तड़प रहे हैं डैडी, बहुत दुखी हो रहे हैं। क्या आपने इस बारे में कभी नहीं सोचा? सॉरी डैडी, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो कभी कभी दूसरों के दर्द को भी समझिए। भैया, भाई साहब चाय पीजिए। जी जी, मैं दिन में देसी और रात में मिलिट्री वाइन पीता हूँ, ये पीऊंगा तो उल्टी हो जाएगी। मैं कम इन? हाँ जा, अंदर आ जा। क्या बात है, मेरा काम किए बगैर तुम दिन भर ऐसे फालतू घूमते रहते हो। मैं और पैसा दूंगा, पैसों से बढ़कर लड़की कब ढूंढ कर लाओगे? बताओ कब लाओगे? तेरा लाइसेंस मिल गया है? हॉलीवुड या बॉलीवुड, वो दोनों को मिला के बीच का? ये क्या कह रहे हैं आप? ए, तेरे साथ फालतू मजाक नहीं करूंगा, मैं पुलिस वाला हूँ। लाइसेंस। डार्लिंग। तुम पहले नाटक कंपनी में काम करते थे क्या? ये तो WWF से भी ज्यादा है। डार्लिंग। कौन से तबेले से किसके लिए आई हो? तुम्हारे लिए डार्लिंग, मुझसे शादी करने के लिए कितने लोग पैर पड़ते हैं, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगी और रोज खीर खिलाऊंगी। तो फिर चल के शादी कर लेते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। ये बात नहीं है जी, तुमसे ऐसा कहने के लिए मुझे फीस दी है। सर, अभी इसकी बॉडी कम करने के लिए मैं दिमाग लगाऊंगा। इसीलिए तू अपने आप को कभी अमिताभ बच्चन समझता है, कभी शाहरुख खान समझता है, इसी से पता चलता है तू अंदर से खाली है। जाके अपनी शक्ल आईने में देख। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चलो चलते हैं। तुम लोग कहीं जाकर कैबरे डांस करेंगे और शराब पिएंगे। ऐसा क्या? बहन जी, मैंने तुमसे जो कहा था वही जाकर करना। इससे थोड़ा पर्सनल बात करना, फिर मैं इसे भिजवाता हूँ। ठीक है, तुम परेशान मत होना। सर, 5 मिनट से सुकून से बात तो करने दिया होता। मैंने तुझे रोका है, चला के बात करते हैं। तुम लोगों से क्या बात कर रहे हैं? तुम लोगों में रात को मेरी तरह फुलटू होना है क्या? ए, चलो सर, सीएम से हमने दरख्वास्त की है कि हम लोग बेगुनाह हैं और हमें यहाँ से रिलीज किया जाए, लेकिन जवाब आने से पहले हमें आप उठा कर लेके जा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है सर। बात तेरी समझ में नहीं आ रही है? चल। तो समझ में आ रही है, लेकिन ए, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। चल बोला ना, चल। देखो दोस्तों, हम यहाँ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिला? अगर आज हम पीछे हट गए तो हमें दोबारा कुछ नहीं मिलेगा, यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। सीएम के पास हम दरख्वास्त करेंगे, शहर में क्या चल रहा है, कौन कर रहा है, हमें जानबूझकर यहां फंसाया जा रहा है, ये बात हमें साबित करनी है। इसलिए सभी लोग इस पर साइन कर दीजिए, सभी लोग साइन कर दीजिए। भाई साइन करो, नीला तुम भी साइन करो। छह, तुम सब लोगों की एक छोटी सी गलती हमें और मुसीबत में डाल सकती है। वैसे हम यहां सुकून से हैं, हमारे अपने जहां भी हैं वो भी सुखी हैं, ये सोचकर हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे अपने जहां कहीं भी हैं वो जिंदा तो हैं, ये सोचकर हमें खुशी होती है और इसी में हम खुश हैं। जो जी रहा है जिए, जो मर रहा है वो मरे, जो जिंदा है वो भले ही जानवर से बदतर जिंदगी जी रहा है वो जीते रहे, यही सोचकर तसल्ली करना, ये कोई जिंदगी है क्या? ये जीना भी कोई जीना है? हर इंसान को जिंदगी में एक बार औरों के लिए जीना ही पड़ता है, और वक्त आए तो अपनी जान भी देनी पड़ती है। घुट घुट कर चार दीवारी के अंदर मर जाना, यह कोई जिंदगी नहीं है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां गुंडागर्दी नहीं होती, लेकिन हमें इस दलदल में जानबूझकर फंसाया गया है। इसलिए कहता हूं तुम लोग मेरा साथ दो। ईंट का जवाब पत्थर से देने से इंसान को अपने मकसद में कामयाबी मिलती है। बुजदिल बनकर, नकारा बनकर जो इंसान जिंदगी जीता है उसका जीना बेकार है। हिम्मत करें तो एक सब 10 से लड़ सकते हैं, लेकिन आज अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए सर उठाना ही पड़ेगा। आज मेरी एक भूल की वजह से मैं एक गुंडा हूं, मैं ये सब मानता हूं कि आज मुझ में वो हिम्मत नहीं है, फिर भी एक बार अगर हम यहां से निकल गए तो सोचो यारो, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा और हम इंसाफ पाएंगे,
हम एक इंसान है, हमें इंसानों की तरह जीना होगा। हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ। मुझे उस बच्ची से मिलना है दाना। हाँ बोलो ना। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मुझे उस बच्ची के पास ले चलो दाना, मैं उस बच्ची का बाप नहीं बन सका दाना, नहीं बन सका दाना। ए, जल्दी जाके बच्ची को बुलाओ दाना। मैं तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे जीना होगा महेश, तुझे जीना होगा महेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा महेश, तुम जियोगे, तुम जियोगे। महेश, महेश, अरे जल्दी बुलाओ अभी। उसे जल्दी बुलाओ, उसे जल्दी बुलाओ प्लीज, महेश की हालत बहुत ही सीरियस है। मैं सर, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ सर, प्लीज उसे जल्दी बुलाओ। वेलकम सर। नमस्ते। यहीं का नवीनीकरण करना है जी सर। यहाँ से पूरे इलाके को करंट से कवर कर दो। यस सर। और इस तरफ सर, महेश का हार्ट अटैक आया सर। मारा तो नहीं ना? वो बहुत सीरियस है सर। जिस तरह से तुम चाहते थे उस तरह से पूरे इलाके का नवीनीकरण हो गया है। कैदियों का भागना अब यहाँ से आसान नहीं है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तुम जाओ सर, प्लीज सर। सीएम आए हुए हैं, जाओ यहाँ से, जाओ सर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुम्हें कीर्ति चक्र देने का फैसला किया है। रियली महेश बाबू, 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 देर हो गई तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी। सर तुम ये क्या कह रहे हो? बेगुनाहों को अंदर बंद रखने का कोई मतलब नहीं होता है। मैं उन्हें अपनी जमानत पर छुड़ा रहा हूँ, समझ गए ना? चलो इस पे साइन करो, करो, सोच क्या रहे हो, चलो जल्दी से साइन करो। अच्छा सब छूट गए, ये तो हमारे धना भाई की मेहरबानी है। क्या तुझे भी अपने गर्लफ्रेंड की याद आ रही क्या? तुम हमें गलत समझ रहे हो, धना मेरा दोस्त है। ओके ब्रदर, मैं चलता हूँ। हाँ। आप लोगों के बारे में भी बात करूंगा। ओके। ये क्या है भाई, तुम्हें अकेले को इज्जत देके जा रहा है? वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, फिकर मत करो, कमिश्नर को मैं मार दूंगा, वो बचकर कहाँ जाएगा। इतनी दोस्ती है क्या भाई? बात मारूंगा। सर मैं जगत राजा बोल रहा हूँ सर। आपका कैदी धना रिलीज हो गया है सर। ये बात मैंने आपको बता दी, अब आगे क्या करना है आप ही सोचिए। धना को मैं संभाल लूंगा, उसके दिन पूरे हो चुके हैं। ठीक है सर। एक मिनट जरा कैप उतारिए सर। नीति न्याय धर्म इंसानियत को तुमने सूली पर चढ़ा दिया है। जब पहली बार तुझसे मिला था ना, तभी से मैं तुझे अपना आदर्श मानता आया, तूने मेरे उस अभिमान को आज चकनाचूर करके रख दिया। लानत है तुझ पर। वो मरने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं पाया, वो नहीं कह पाया। क्या कहना चाहता था? जिंदा रहता तो मेरे और मेरे बच्चे का सहारा बनता, वो चला गया, अब हमारा जीना भी बेकार हो गया। सोच रही हूँ कि मैं भी यहाँ से चली जाऊँ, मगर बच्चे के लिए जीना पड़ेगा। This is for you. For me? Wow. हमारी टाइटैनिक शिप है, हमारी इंडियन बॉटल, यू लाइक इट? वो कहेगी यार। ए, क्या कर रहे हो? तुम्हारे दिल को जीत कर, तुम्हारा बिहेवियर परख कर,
तुम्हारे डैडी से बात कर लूंगा और तुम्हारे डैडी का आदर करके उनका मूड देखकर। डैडी वो लक्ष्मी, गलत कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो छिपता भी नहीं है। हाँ। जो सच है वो सच है। हाँ। सही है ना सर? अपनी जान दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर देना, यही सच्चा प्यार है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जान लेना, ये प्यार नहीं होता। लक्ष्मी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? ये क्या है बेटा, तुम्हारे पिता को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, तुम नहीं जाओगी तो कैसे चलेगा? समझने की कोशिश करिए। समझ के ही बोल रही हूँ, ये तेरे परीक्षा की घड़ी है, सही वक्त देखकर मैं तेरे पिता से बात करूंगी, ये मेरा वादा है। ओके, देखो बेटी, धना के लिए जो तेरे दिल में प्यार है वो तेरे पापा के लिए नफरत में मत बदल बेटी। ओके सर, ओके बाय 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 सर। धना, तुम इस गाड़ी में नहीं जाओगे। ऐसा क्यों सर? तुम्हारे लिए खास जीप में ले जाने का ऑर्डर है। समझ गया सर। धना, मैं समझ गया सर। धना सर, कमिश्नर ने जो आपका ऑर्डर दिया है उसे आप फॉलो कर रहे हैं, इट्स ओके सर। हाँ, कोई बात नहीं, चले। सर, मोर्चा किस लिए है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। काहे का बैग है बे? लेदर बैग है। चल बे, चल जल्दी करो। प्लीज हमें एक सवाल कीजिए। भगवान का शुक्र है, तुम कैसी हो? मेरा बेटा, मैं आ गया हूँ। अरे मैं तो बच गया बहुत मुश्किल से। देखो अब मैं जेल से आजाद हो गया हूँ। मेरे पति की जान बख्श दीजिए साहब, आप ही बाल बच्चे वाले हैं। तुम्हारा भी भगवान भला करेगा साहब। आजकल भगवान शैतान का ही भला करता है। कांग्रेस, थैंक्स। एम आई लेट? नो। ए, तुम लोग भाग जाओ। किस लिए सर? जान बचाने के लिए भाग जाओ। जान बचाने के लिए भाग जाए, लेकिन क्यों भाग जाए? हाँ? जाओ जाओ, अपना काम करो। शंभू महादेव, सरकारी पद पर रहकर सबसे ज्यादा नियमों का पालन करने वालों को केंद्र सरकार की ओर से कीर्ति चक्र अवार्ड दिया जा रहा है। सर, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ, जो गोली पीछे लगनी है वो अगर सीने में लग जाए तो हमारी मौत थोड़ी इज्जत वाली होगी। अपना काम करो। भाग जा। भैया, मैं ठीक हूँ, वैसे भी मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अरे, अरे वो मेरे साथ कुछ भी करता, तुम्हें बीच में चलाने की क्या जरूरत है? तुम्हें जीतना है, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बोलता हूँ वो करो। तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ जाओ धना। महेश चंद की वीरता और उनकी समझदारी, उनका उठाया हुआ हर एक कदम, ऐसे अगर मुट्ठी भर के लोग हमारे देश में पैदा हो जाए तो हमारे देश का कानून एक नंबर पर होगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। आप रुको, पब्लिक भड़क गया है यहाँ पे, आप जल्दी आइए, पूरा पब्लिक भड़का हुआ है। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम चुप कर खड़े रहो। सर, बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है, पुलिस को कंट्रोल करना भारी पड़ रहा है सर। सर, नीड सम फोर्स, बहुत ला दे। नीला, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, रुक जाओ। यहाँ पर उपस्थित मैं सभी लोगों का आभारी हूँ। राजनीति में मैंने अपने बाल सफेद किए हैं, मगर यहाँ उपस्थित इस महान हस्ती की तारीफ किन शब्दों में करूँ ये मैं सोच रहा हूँ। लेकिन अगर एक बार सीएम का ऑर्डर मिल जाए तो वो उसे भगवान की तरह समझते हैं, इसलिए मैं आज तक उनका कायल हूँ। मैं चाहता हूँ इतने बड़े पुलिस ऑफिसर को हमारी तरफ से सम्मानित किया जाए। एक सीनियर ऑफिसर होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, इससे उनकी पोस्टिंग होती रही। ए, कहां जा रहे हो? मैं ठीक हूं। चल बैठ बैठ। ये कितनी महान हस्ती है ये सब तो आप समझ ही गए होंगे। जय हिंद। आप
सभी को मेरा प्रणाम। सब पीछे हटो, तुम्हारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हें जीना है मरना नहीं है, तिल तिल मरने की कोशिश मत करो। सॉरी सर। हर गुनहगार को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए और गुनहगार को सजा दिलाना मेरा धर्म है। यहाँ आज कमिश्नर महेंद्र जी को होम मिनिस्टर के हाथों सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। डैडी, आप सब लोग पीछे हो जाइए। महेश, भैया, महेश, अरे अर्जेंट एम्बुलेंस बुलाओ। मैं ठीक हूँ। डैडी, डैडी, भैया, कोई भी बचना नहीं चाहिए। मुझे नहीं, ये धना छोड़ जा मुझे। नीला, कुछ भी करो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। हेलो हेलो हेलो, पब्लिक को जल्दी से बाहर निकालो। छोड़ धना, वरना तो मरेगा। जाओ नीला, नीला, किसी को पता भी नहीं चलता मैं मेरा काम बिल्कुल साइलेंट में करके निकल जाता, पर तू बीच में आके सारा काम चौपट कर दिया। ए, धना, अब तू नहीं बचेगा, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ, 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 चला जा, चला। डोंट शूट। आज भी तोंचा दिखाकर तू हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, तू बचा नहीं है, धना ने तुझे बचाया है। साहब, हम मौत के डर से भागने वालों में से नहीं है, तुम अपने वादे से मुकर सकते हो पर हम नहीं। तुम्हें हमारी हिफाजत के लिए सरकार ने तुम्हें नियुक्त किया है। गोली मारना है तो मारो, हमारे सामने धना तुम्हें गोली मारेगा। तुम्हारा पुलिस धना का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई उसे छूके तो बताए। हमें जीना सिखाया धना ने, इंसाफ के लिए लड़ना सिखाया धना ने, आज तुम्हारे सामने सिर उठाकर बात करने के लिए काबिल बनाया धना ने, तुमने नहीं सर। गोली मारेंगे, मारो, हमारे सामने धना को तुम गोली मारोगे? मारो, चलो मारो। मान गए, जो गेम धना के साथ तुमने किया, जो खेल तुम लोगों ने सिटी में किया, आज यहाँ पर डबल डबल गेम हो जाएगा, आज यहाँ पर एक खाकी वाला भी नहीं बचेगा। जी हाँ, मेरी खातिर तुम लोग यहाँ ये सब करोगे? इसलिए यहाँ मैं तुम लोगों को लेकर आया था, ये मेरा और इनका पर्सनल प्रॉब्लम है, तुम्हें इसे कोई मतलब नहीं, चले जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ,
गोली चलाइए सर। नहीं डैडी, डैडी प्लीज, डैडी प्लीज, डैडी उसे मत मारिए डैडी प्लीज, डैडी आप जैसा कहेंगे ना डैडी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। प्लीज अगर आप चाहते मैं उसे ना मिलूं और तब उसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज डैडी उसे मत मारिए प्लीज। ए मेरे डैडी को मारा, मेरे डैडी पर हाथ उठाया, मेरे डैडी पर। मैं जितना तुमसे प्यार करती हूँ उतना ही अपने डैडी से करती हूँ, और तुमने इतनी हिम्मत, तुमने मेरे डैडी पर हाथ उठा। देख लिया, सुना, जब आप मुझ पर गन ताने थे तो आपकी लड़की आपके पैर में गिर गई थी, मैंने आपको थप्पड़ मारा तो उसने मुझे भी थप्पड़ मारा। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। लक्ष्मी को अगर मैं अपने दिल से अपना लेता हूँ तो तुमसे तुम्हारा बरसों का दिया हुआ लाड़ प्यार छिन जाएगा, इसी डर से तुमने मुझे परेशान किया। कोई किसी का प्यार इस संसार से छिन ले ये कभी नहीं हो सकता, यह मैं आज आपसे वादा करता हूं। मैं आपकी बेटी को संसार की सारी खुशियां दूंगा जिससे तुम्हारी भी सारी खुशियां दुगनी हो जाएगी। प्यार में अगर मुझे गलत करना होता तो मैं कब का करके निकल चुका होता, चुटकी चुटकी बजा के निकल जाता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा दिमाग मेरे समझ में नहीं आया कि तुम मुझे क्या समझ बैठे। एक बार तुम प्यार के रास्ते चलकर तो देखो, अपनों के लिए औरों के लिए तुम्हारे पास दिल नहीं है। प्यार से ही प्यार को जीता जाता है। पता नहीं कहां से मेरी इनके साथ मुलाकात हो गई। तुम्हारी मर्जी के बगैर मैंने आपकी बेटी से शादी की क्या? सर शादी तो दो प्यार के दिलों का बंधन है, एक साथ संसार निभाने के लिए। वो होने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी बेटी आपसे अलग रहेगी? आप जरा सोचिए सर, आप ही फैसला कीजिए सर, जो हम दोनों के हित में हो। लेकिन दिल मत तोड़िए, शादी मंदिर में भी हो सकती है, सात फेरों के बिना। हम पूरे दिल से एक दूजे के हो चुके हैं पूरी जिंदगी के लिए। कहीं तुमने हम दोनों के प्यार पे कैची चलाने की कोशिश की, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तुम्हारे भी प्यार के। सॉरी लक्ष्मी। आप इतने जेंटलमैन आदमी हैं, हमें पता नहीं था, हम आपके आभारी हैं। धना रुक जा। डैडी, डैडी महेश, महेश डैडी। आहा, इतनी जल्दी शादी के लिए बैठ गए, पहले उन्हें तो आने दो। हाँ इन्हें जल्दी भेजो, जल्दी भेजो। बेटा ऐसा नहीं कहते बेटा। क्या है ना पंडित जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इंतजार मैंने बहुत किया है। जजमान जल्दी कन्या को बुलाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष तनोहरि। थैंक्स ससुर जी। वेलकम। थैंक्स। यू आर वेलकम। शर्माओ मत, चलो कम आओ ना, बैठो बैठो। बैठो महेश। सोना लड़की का कन्यादान करने के लिए उनके पिताजी आगे आ जाइए। आइए सर। तुम देख रहे हो ना मैं कैसे जा सकता हूँ। तो क्या हुआ इस हाथ से? इंतजार कर रहे हैं। पूरा फिल्म खत्म हो गया, एक क्लाइमेक्स है, अभी क्यों मुंह में लड्डू डाल के बैठे हैं? मुस्कुरा कर कन्यादान कीजिए। काय काय बोलो। तो आप मराठी हैं? हाँ। असा है। हाँ। क्लाइमेक्स है। हाँ। अता राग कसाला। असा तसा मनापासून कन्यादान करून टाका, लवकर करा। ड्यूटी के वक्त सिगरेट पीते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? वो क्या है ना साहब, ड्यूटी पर आप राउंडअप में आ जाएंगे, मुझे पता नहीं था। हाँ ये भी सही है। अच्छा सुन, वो दिख रहा है खिड़की के पास सिगरेट का पैकेट लेके? लेकिन वो कमिश्नर साहब। उन्हें रहने दो यार, वो मेरा ससुर है।